हेलो टेस्टिंग 1 2 3 ठीक दोनों स्क्रीन्स आ रही हैं। हेलो टेस्टिंग 1 2 3 ठीक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बार वोकेशनल कोर्स के एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम आप तमाम दोस्तों को खुश आमदेद कहते हैं। आज की गुफ्तगु हम जुवेनाइल जस्टिस के बारे में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एक्विज वगैरह भी आपके साथ होगी। आप जनरली बात करें एनजीओ से बात करें किसी और से करें तो एक नाम जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर किया जा सकता है वो आज हमारे स्पीकर हैं मिकदाद मेहदी साहब। वी आर लकी टू हैव हिम हियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और उनका सो मिकदाद भाई की 16 साल की स्टैंडिंग है और ज़बरदस्त चीज़ इनके बारे में ये है कि जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर और चाइल्ड राइट्स के ऊपर इनसे काम करना चाहते हैं तो ही इज़ द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल जिनके साथ बात वगैरह की जाती है। अमेरिकन बार एसोसिएशन का मैंने पहले जिक्र कर लिया हुआ और मल्टीपल किताबें भी इस मामले के ऊपर लिखे हुए हैं लिखी हुई है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि पहले भी हम बुलाते हैं हमेशा आते हैं और बहुत अपना टाइम हमारे पास डेडिकेट करते हैं हम। वी आर वेलकम एंड प्राउड टू हैव विद अस मिकदाद मेहदी साहब। सर वेलकम सर। थैंक यू सो मच अहमद भाई हमेशा बड़े भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं और ना सिर्फ आज बल्कि हमेशा से इन इश्यूज़ के ऊपर बड़ी सपोर्ट इनकी हासिल रहती है खुसूसन जब से ये एजुकेशन कमेटी के चेयर कर रहे हैं उस वक़्त से जब भी इनसे कोई रिक्वेस्ट की है इन्होंने हमेशा ओब्लाइज किया है। तो कुछ ज़्यादा भी कह देते हैं मेरे बारे में एज एन एक्टिविस्ट मैं काम कर रहा हूँ तकरीबन 10-12 साल से और खुसूसन बच्चों के इश्यूज़ के ऊपर और चाइल्ड जस्टिस के ऊपर। आज का टॉपिक भी जो है वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है। मैंने कहा कि मैं ओरिएंटेशन दूंगा तो उन्होंने अहमद भाई ने कहा नहीं ये तो ओरिएंटेशन नहीं ट्रेनिंग करवानी है आपने। मैंने कहा अच्छा चलिए ट्रेनिंग का जो है वो कर लेते हैं। कहते कि इसको इंटरेस्टिंग रखना है हमने बोरिंग नहीं रखना जो नए दोस्त हैं वो कहीं पर परेशान ना हो जाए। मैंने कहा जी ठीक है। मेरा काफ़ी कनेक्शन रहता है जो मुख्तलिफ जुडिशल अकेडमीज़ हैं सिंध जुडिशल अकेडमी है केपी जुडिशल अकेडमी में फ्रीक्वेंटली मैं जाता रहता हूँ फेडरल जुडिशल अकेडमी के अंदर जो है मुख्तलिफ लेक्चर्स के लिए सेशंस के लिए उनके ट्रेनिंग कोर्सेज के दौरान जब चाइल्ड जस्टिस की जब बात की जाती है तो उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है। मुख्तलिफ लॉज के लिए मैं नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक स्टेचुरी बॉडी है फेडरल में उनके साथ मुख्तलिफ लेजिस्लेशन के हवाले से कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से इंगेज रहता हूँ एज अ लीगल कंसल्टेंट और एक्सपर्ट के तौर पे। कोशिश करते रहते हैं कि हालात जो हैं वो चेंज हों और जैसे अहमद भाई ने बताया कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है सिर्फ बड़ों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लाइंट जो है वो बड़े हों बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी तरह एक सेशन कर रहा था क्वेटा के अंदर सरीना होटल के अंदर तो बाहर और जो वो लगा हुआ था फ्लैक्स लगा हुआ था उसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट का लिखा हुआ था तो एक सेशन जज साहब गुजरते गुजरते उधर से अंदर आ गए कहते मैं एक मिनट बात कर लूँ। मैंने कहा बात कर लें कहते आप जो बड़ा टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहते नहीं मैं इनको बताता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जी कैसे। मैंने कहा वकील की सबसे बड़ी जो एक कोशिश होती है ना अपने क्लाइंट के साथ वो होती है डन बेस के ऊपर काम करवाने की तो ये एक ऐसा लॉ है जिसके ऊपर आप डन बेस पे काम करवा सकते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं इस लॉ के अंदर क्या चीज़ें हैं। आप अपने क्लाइंट की डन बेस पे जो है वो जमानत करवा सकते हैं। ऐ ना कहो यार खुदा मैं बता रहा हूँ वो कैसे ये बशर्ते कि उसकी उम्र कम हो बीच में सर वो जुवेनाइल है ना बशर्ते कि जुवेनाइल हो जुवेनाइल सिस्टम एक्ट की बता रहा हूँ ना कि अगर एक जुवेनाइल है और किसी को पता ही नहीं है कि ये सीआरपीसी के अंदर तो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है तो जुवेनाइल के लिए वो कैसे ट्रीट होगा। ठीक है आपको एक बंदा कहता है यार ये तो नॉन अवेलेबल है ठीक है लेकिन अगर वो जुवेनाइल है और अगर आपको पता है कि वो जुवेनाइल है और आपके पास प्रूफ है तो आप उसको बीइंग अ जुवेनाइलिटी उसकी जो क्लेम करते हुए आप उसका रिलीफ ले सकते हैं और ये श्योर शॉट है कि वो आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है तो इस वजह से ये पैसे कमाने का बेहतरीन तरीका है। अब ये मैं अपनी बात नहीं कर रही एक चीज आपको और भी बताता था आपने अगर अटेंशन पे की है तो ये कहां पे हो रही थी कॉन्फ्रेंस
ये क्वेटा में कौन से होटल में हो रही है? तो पहली चीज होटल के अंदर अगर आपने जाके बीच में करना है, एक चीज हमारे भाई की खास तौर पे इज इन्वॉल्वमेंट विद वेरियस डिफरेंट एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लेवल का अगर आपने वकील बनना है, इश्यूज के ऊपर आपने वकील बनना है, और फूंफां के अंदाज में अखबार के अंदर अगर आपने करना, और बाकी अपनी चीजें मतलब भी चीजें मैं इनको सिखा रहा हूँ कि दे शुड बी वेरी वेरी सेल्फिश एज वेल, प्रोजेक्शन वगैरह के लिए भी, लेक्चर्स के लिए भी हमने भाई को यहाँ पे आपके सामने बुलवाया है, दिस इज एन एरिया जिसमें आपकी, और दूसरा आप सबसे ज्यादा जो मजलूम और यंगस्टर्स और जुवेनाइल हैं उनके लिए आप जिहाद भी कर सकते हैं। सो एक तो आप अपनी आखिरत भी ठीक संवार रहे होते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ एनजीओ और की हॉट बटन जो टॉपिक्स वगैरह हैं उसके लिए भी बहुत की है। तो और आपने मिकदाद मेहदी साहब को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख के सारे के सारे लेने के बाबू अंदाज की वकालत भी इनके थ्रू काफी होती है। शुक्रिया सर। अच्छा तो ये जज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैं जज साहब का नाम भी बता देता हूँ, जो वो उनका नाम है शफीक साहब और वो हेड करते हैं कराची जुडिशल अकेडमी को, आजकल वो वहाँ पर डीजी हैं, और उन्होंने कहा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाया आपके लिए और इस पर तो आप बड़े पैसे कमा सकते हैं। खैर ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक लॉ है, फेडरल लॉ है, अगरचे 18th अमेंडमेंट के बाद जो बच्चों के इश्यूज हैं या औरतों के इश्यूज हैं या सोशल वेलफेयर के इश्यूज हैं ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद 2018 के अंदर जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जो है वो मुतारफ करवाया गया। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चलते हैं, मैंने पूरा लॉ की प्रेजेंटेशन भी है लेकिन उसमें जाने के बजाय जो सेलिएंट फीचर्स हैं जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अहमद भाई ने कहा कि इनको ट्रेनिंग करवानी है और इंटरेस्ट जो है वो ये लूज ना करें और वो जॉयफुल होनी चाहिए, तो ये मेरी भी कोशिश रही कि मैंने वो जो पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिनको आप आर्ग्यू कर सकते हैं, जिनको एज अ प्ली आप जो है वो कोर्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वही पॉइंट्स जो हैं वो इस हैंड आउट्स के अंदर हैं। बाकी भी डिटेल्स हैं, लॉ आपको बुक भी दे दी जाएगी, उसके अंदर पूरा लॉ है, अभी 2022 में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई कैसे बननी है उसके वाले से भी काम चल रहा है, अभी केपी ने अपने रूल्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं, उन्होंने अपने उसके छोटा सा एक लॉ था और जुवेनाइल्स के वाले से था बड़ा इंपॉर्टेंट, उस वक्त भी ये लॉ था और बड़ी अजीब चीज थी हमारे लिए इसको डाइजेस्ट करना कि एक ऐसा लॉ आ गया है जो कहता है कि किसी बच्चे को आपने जो है वो हथकड़ी नहीं लगानी, किसी बच्चे को आपने हवालात में बंद नहीं करना, उसको सजाए मौत नहीं देनी, उसको बेड़ी नहीं पहनानी चाहे जो भी जुर्म किया हो, तो उसको अदालतें भी बड़ा अजीब नज़र से देख रही थी कि हमारे माशरे में एप्लीकेबल है कि नहीं है, यहाँ पे तो हर दूसरा शख्स जो है वो 18 साल से कम उम्र है और वो जुर्म की दुनिया में आ जाता है, तो क्या ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है। 2005 के अंदर एक बड़ी मशहूर जजमेंट है फारूक अहमद वर्सेस स्टेट, जो कि PLD 2015 लाहौर 15 पेज के, 2005 PLD 2005 लाहौर 15 पेज है, उसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब एक बेंच के सरबराह थे और उन्होंने इसको नॉल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था, जो जुवेनाइल सिस्टम ऑर्डिनेंस आया उसको उन्होंने कहा कि ये तो हमारे माशरे के साथ मुताबिकत ही नहीं रखता, हमारे यहाँ तो प्यूबर्टी बड़ी जल्दी हो जाती है, बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, हम इनको बच्चों को लाइसेंस दे दें, ये जाके किलिंग्स करें, डकैतियाँ करें, जो मर्जी करें और इनको फिर जो है वो कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, तो ये हमारे माशरे से मुताबिकत नहीं रखता। खैर वो उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया और ये जो लॉ था 2000 में जो मुतारफ करवाया गया था मई 2018 तक स्टे पर चलता रहा, यानी 2000 में जो एक कानून मुतारफ करवाया गया वो 2018 तक स्टे पर चलता रहा, बच्चों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था, एक वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, एक बंदे ने खड़े होकर बाहर बहुत से वकीलों से सवाल किया ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस क्या है, आप यकीन करें 90% को नहीं पता था कि वो क्या है, खैर जिनको पता था वो थोड़ा बहुत रिलीफ ले लेते थे, कई दफ़ा जजेस के साथ इंटरेक्शन होता था उनको भी नहीं पता होता था कि ये क्या है, लेकिन अब 2018 के बाद हालात थोड़े से डिफरेंट हैं, जजेस की ट्रेनिंग्स हुई हैं, जजेस को भी पता है और ये रिलीफ हमें कोर्ट से मिलता है बच्चों के हवाले से। हाँ हाँ स्टे उस ऑर्डर के खिलाफ आ गया ना, उन्होंने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने उसको कानून को खत्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे दे दिया।
उन्होंने कहा नहीं ये कानून जो है ना वो ठीक है बच्चों की फलाह बहबूद के लिए, ये प्रोटेक्शन का लॉ है, बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा है उन बच्चों को जिन्होंने कोई कानून तोड़ा है। तो उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और स्टे पे चलता रहा अंटिल अनलेस के ये नया लॉ जो है मुतारफ करवा दिया गया। अब इसकी डेट याद रखना क्यों जरूरी है कि मई 2018 के अंदर इसको मुतारफ करवाया गया, क्योंकि कुछ ट्रायल अभी भी चल रहे हैं जो 2000 के अंडर चल रहे हैं और मई 2018 के बाद जो भी ऑफेंसेस कोई बच्चा करेगा जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो वो इस लॉ के अंडर होंगे, जो भी जो जे जे एस ए के अंडर आएंगे 2018 के बाद के। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें डिफ्रेंशिएट हो सके कि 2018 से पहले क्या रेजीम है लॉ की और मई 2018 के बाद कौन सी रेजीम है। और इसका मकसद जो है उन बच्चों को जो कानून तोड़ते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उनकी वेलफेयर और उनकी जो है वो वेलबींग को इंश्योर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें डेफिनेशंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का बेहतरीन मुफाद। क्या होता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, क्या बताएगा? वेलफेयर, एजुकेशन और आइडेंटिटी। अच्छा, बच्चे की हेल्थ, ठीक है ठीक है। हाँ, वापस री इंस्टेट करना, ठीक है सारे अपने कॉन्सेप्ट, उनकी फुलफिल बेसिक राइट्स की फुलफिलमेंट है, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड बेसिकली एक इंटरनेशनली एक मुख्तलिफ कन्वेंशन के अंदर बच्चों के मुतालिक जो है UNCRC उसके अंदर भी बताया गया है। बच्चों के मुतालिक मोस्टली फैसला कौन करता है? अडल्ट करते हैं। बच्चों के मुतालिक बच्चा हम कंसिडर करते हैं सोसाइटी के अंदर तो कौन फैसला कर रहा होता है? अडल्ट करते हैं। तो जो भी फैसला किया जाए उसकी बुनियाद जो है ना उसकी एजुकेशन, उसकी सेहत, उसकी तालीम, वो सारी बातें जो आप बता रहे हैं वो उन चीज़ों को मद्देनजर रख कर किया जाएगा ना, तो उसको कहेंगे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। यानी किस टाइम के ऊपर? जब बच्चे के मुतालिक कोई फैसला किया जाए, जब कोई बच्चे के मुतालिक कोई डिसीजन लिया जाए, ठीक है ना। एक पुलिस वाला है, उसने कोई डिसीजन लेना है, उसने बच्चे को पकड़ा है, उसने हवालात में रखना है, ठीक है। हवालात के अंदर बड़े हार्डकोर किस्म के क्रिमिनल्स भी बैठे हैं। अब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्या है कि बच्चे को वो हवालात में ना रखे। अब ये उसने जो फैसला उस वक्त मौके पे किया उसकी रीजन क्या है? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, अगर वो बच्चा उनके साथ मिंगल करेगा तो हो सकता है कॉन्टैक्ट शेयर करे और ये उससे भी बड़ा मुद्रा, अभी तो वो काइट फ्लाइंग में आया या किसी और छोटे मोटे में आया तो कि वो बाद में कोई और क्रिमिनल बन जाएगा। तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ क्या है कि जब किसी बड़े ने फैसला करना है इस सिस्टम के अंदर तो एक वो पुलिस वाला भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, प्रोसिक्यूटर भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं। तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को जो है इंश्योर करना है, सबसे पहली ये बात है। तो इसको उन्होंने लॉ का हिस्सा बना दिया है, जुवेनाइल सिस्टम एक्ट के अंदर ये डेफिनेशन मौजूद है कि जब भी आप डिसीजन करें, जब भी कोई फैसला करें तो उसके अंदर इन चीजों को मद्देनजर रख करें कि उसकी एथनिसिटी क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजों को जो है मद्देनजर रख। कल बच्चे का पेपर है और उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, वो कह रहा मुझे जी आपने गाइडलाइन फ्लाइंग में पकड़ा है, मेरा सुबह पेपर है फॉर एग्जाम्पल, तो बेस्ट इंटरेस्ट उसको फिलहाल जो है वो छोड़ दीजिए, कोई और अल्टरनेट उसका सोच लेंगे, लेकिन उसको उसको पेपर देने दें। ये ठीक है, आपने कहा उसको, उसका क्या ताल्लुक सर? समटाइम होता है कि एक बच्चा जो है वो पख्तून है या बच्चा वो किसी ऐसी पंजाबियों के साथ उसको रखना शायद मुनासिब ना हो, या बच्चा जो है वो पंजाबी है तो उनके साथ ना रखना मुनासिब हो, किसी अडल्ट के साथ या जिनकी जुबान डिफरेंट है तो उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इन चीज़ों का। मतलब उस गाड़ी के अंदर लेकर जाना, मेरे पास एक केस आया जो ये हमारे पंजाब का एक कसूर का एक केस था जिसके अंदर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का सर मैटर था। उसमें बच्चे को एक साल पहले अब्यूज़ किया गया था और जो अब्यूज़ करने वाले थे वो हमारे पंजाबी नहीं थे, और क्या किया पुलिस वालों ने, उनका इंटरेक्शन करवा दिया जब ट्रायल स्टार्ट हुआ। आप यकीन करें मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उस बच्चे को देखने गया, उसकी इतनी बुरी हालत थी सिर्फ इस वजह से कि वो उनके साथ कुछ देर रात ड्यूरिंग पेशी के दौरान, और उसके बाद वो बच्चा वो इस तरह से चीखता था कि वो सब समझते थे कि इसके अंदर कोई खौफनाक चीज आ गई है। पूरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल की वार्ड जो थी वो चीखों के साथ गूंजती थी जब वो चीखें मारता था, और सिर्फ उसका क्या था कि अब लॉ कहता है कि उनको बच्चे को जो है वो जो कल्प्रेट्स हैं उनके साथ मिंगल नहीं किया जाएगा, उनकी इन कैमरा जो है प्रोसीडिंग्स होंगी, ये लॉ के अंदर प्रोटेक्शंस मौजूद है बच्चे के हवाले से। तो समटाइम बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को सामने रखते हुए इस किस्म के फैसले करने पड़ते हैं।
उसके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को, उसके एथनिसिटी को, उसके एजुकेशन को, उसकी हेल्थ को, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर फैसला किया जाए। सर ये मैं आगे आगे आप ये जो भी कह रहे हैं वो किसी और कानून में इसमें नहीं, वो बेसिकली तो हमारा जो एंटी रेप एक्ट है वो भी प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विक्टिम चाइल्ड को और विक्टिम पर्संस को कि उनकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो इन कैमरा होंगी और वहां पर कोई पर्सन मौजूद नहीं होगा और अगर आपने उसका इंटरेक्शन करवाना है ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन तो दरमियान में स्क्रीन लगी होगी, ये प्रोटेक्शन वहां पर मौजूद है, अभी रूल्स भी उसके आ चुके हैं। तो खैर ये चीजें, तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड जो है वो प्राइम हैसियत रखते हैं इस लॉ के अंदर। दूसरा है जी चाइल्ड, चाइल्ड कौन होता है जो शख्स 18 साल से काम जो शख्स होगा वो चाइल्ड होगा। तो जुवेनाइल कौन होगा, लेस देन 12 ईयर जुवेनाइल होगा, क्यों जी, लेस देन 18 ईयर जुवेनाइल होगा, ठीक है। तो जुवेनाइल और चाइल्ड में क्या फर्क होगा, इधर से कोई नहीं बोल रहा सर, चाइल्ड में और जुवेनाइल में क्या फर्क होगा, चाइल्ड भी और जुवेनाइल में फर्क सिर्फ इस लॉ के अंदर ये है, अदरवाइज जुवेनाइल जो है वो हमारे उर्दू में भी जो है ये बेसिकली लैटिन वर्ड है ना, उर्दू में भी जो आया है वो जवानी का लफ्ज़ जो इधर से ही आया है, कहते तो यही है। तो जो जुवेनाइल, जवानी, जवान, ये सारे जो है ना वो यूथफुल को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे तरह के वर्ड्स हैं। तो जुवेनाइल जो है बेसिकली वो बच्चा ही है, लेकिन वो बच्चा जो एक्यूज है, ठीक है, और चाइल्ड जो है वो चाइल्ड विक्टिम भी हो सकता है। ये लॉ टोटली जुवेनाइल से मुतल्लिक है, यानी उस बच्चे से मुतल्लिक है जिसने कोई जुर्म किया है, जो एक्यूज है, ठीक है, ये टोटल लॉ। सिर्फ एक सेक्शन जो इसका चाइल्ड विक्टिम से मुतल्लिक है उसको आगे जाके देखते हैं, बाकी सारे का सारा ये लॉ जो है उन बच्चों से मुतल्लिक है जिन्होंने कोई कानून तोड़ा है, जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जिन्होंने किसी किस्म का कोई जुर्म किया है, कानून तोड़ा है, या अक्यूज है किसी ऑफेंस के, तो उसको हम जुवेनाइल कह देते हैं और वो है बच्चा ही। और बच्चे की क्या डेफिनेशन है, चाइल्ड की क्या डेफिनेशन है, जिसकी एज अभी 18 साल तक अटेन जिसने नहीं की, ठीक है, जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है वो जुवेनाइलिटी से बाहर आ जाता है, ठीक है, वो मेजर हो जाता है। तो ये जुवेनाइल की डेफिनेशन, और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है चाइल्ड राइट कन्वेंशन, चाइल्ड राइट कन्वेंशन को दुनिया का सबसे ज्यादा कहते हैं कि मोस्ट रेटिफाइड कन्वेंशन है, अमेरिका के अलावा दुनिया के हर मुल्क ने उसको साइन किया हुआ है, और उसके अंदर जो डेफिनेशन है वो भी 18 साल है। तो तकरीबन दुनिया इस पे एग्री है कि बच्चे की उम्र जो है वो 18 साल है। तो 18 साल से कम उम्र शख्स जो होगा वो अभी भी जितने हमारे जितने रिसेंटली लॉज बने हैं पिछले 20 साल के अंदर उनमें सब में कोशिश यही की गई है कि 18 साल उम्र रखी जाए। अमेरिका ने नहीं रेटिफाई किया हुआ, अमेरिका सिर्फ जो है वो रह गया, बहुत बैकवर्ड है यार, अमरीकी बीच में पकड़ के बाकी सारी दुनिया ने किया हुआ। वो कहते हैं हमारे लॉज जो है वो इनसे ज्यादा बेहतर है, सीआरसी से ज्यादा जो है वो बेहतर है इस तरह से हम, और मुख्तलिफ स्टेट्स हैं उनके अपने इश्यूज हैं वो जिसकी वजह से शायद उनके पास जिस तरह आपने बात की जो बनाए अंडर एज जो ड्राइवर थे उनको अरेस्ट करके जिस तरह आप कह रहे थे अगले दिन बच्चे को अरेस्ट किया हवाले में रखते हैं फिर बाद में, बिल्कुल इसलिए देखें कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी पिछले दिनों कितना बड़ा इशू था कि हर बच्चे को पकड़ के वो जेल में डाल रहे थे, ठीक है, ड्राइविंग के अंदर, एक्सीडेंट्स के अंदर, गाइड लाइन्स के अंदर, कभी कभी ऐसी ऐसी वेव आती है जिसके अंदर बच्चे ही सबसे ज्यादा जेलों में जा रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा अभी ब्लैकमेलिंग बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होती है। अब मुझे दो दफा कॉल आ चुकी है, अस्सलाम वालेकुम सर, ये बच्चा पकड़ा है जी, ये आपका कह रहा है कि मेरे मामू हैं तो आपका नंबर दिया है, मैं कहा अच्छा अच्छा, वो अब कई लोगों ने मुझे बताया जी हमने तो पैसे ट्रांसफर भी कर दिए, अब वो पुलिस वाला बन के कॉल कर रहा है कि हमने बच्चा पकड़ा है आपका बन जाए, और अब क्योंकि हम ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने बच्चों के मुतल्लिक, हम तो उनको चाहते नहीं है कि थाने तक भी पहुंचे, लेकिन अगर खुदा ना हास्ता हो थाने में पहुंच जाए तो अच्छा वकील भी चाहिए होता है जाहिर है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जैसे इसका ऊपर नाम लिखा हुआ है, मैंने बताया कि 2018 में जो इसको मुतारफ कराया गया, मैं 2018 के अंदर, उससे पहले जुवेनाइल सिस्टम ऑर्डिनेंस था। तो अगली जो इसकी डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट वो है डायवर्जन। डायवर्जन किसे कहते हैं, क्यों जी डायवर्जन, ये सेकंड लाइन से कोई बोले, हेलो डायवर्जन क्या होता है, अपने रास्ते से हट जाना, ठीक है,
जी सर, डायवर्जन डायवर्जन बेसिकली घर जा रहे थे, रास्ते के अंदर वो बोर्ड लगा हुआ था डायवर्जन, उन्होंने क्या किया कि आपको मुतबादल रास्ता दे दिया अपने घर जाने के लिए। ऐसा ही होता है ना, डायवर्जन का मतलब यही है, डायवर्जन का मतलब रास्ते की तब्दीली है, डायवर्जन का मतलब मंजिल की तब्दीली नहीं है, ठीक है ना। आपने जाना घर ही है, ठीक है, डायवर्ट कर दिया। इसके अंदर उन्होंने एक नया तरीका मुतारफ करवाया कि सारे बच्चे जो हैं वो जरूरी नहीं है कि हम कोर्ट्स में भेजें, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके फॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भेजें, हम ऐसा क्यों ना करें, एक कमेटी बना दें, वहां पर बैठ के बच्चों के मसाइल हल कर दें, बजाय बच्चा लंबी तरीके भुगते, ट्रायल भुगते, और उसके बाद जो है वो बच्चे का क्या से क्या सिस्टम हो जाएगा, तो क्यों ना मुतबादल तरीका इख्तियार किया जाए। तो एक मुतबादल सिस्टम भी उन्होंने दिया, उसको कहते हैं डायवर्जन, यानी जिसके अंदर बच्चे की जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको असेस करने के लिए एक मुतबादल तरीका दिया गया है। किसको क्रिमिनल रिस्पॉन्स, जज का काम भी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को असेस करना है, जब चलान सबमिट हो गया तो उसने देखना है कि ये बरी करना है या इसको सजा देनी है, या जजा देनी है सजा देनी है, तो वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो क्यों ना एक कमेटी बिठा दी जाए 5 बंदों की, और वो बंदे जो है वो बैठ के फैसला करते हैं वो कौन कौन बंदे होंगे, वो आगे हम देखते हैं। और अभी वो नोटिफाई हो भी गई हैं और सिर्फ फंक्शनल होनी है, जल्दी वो भी हो जाएंगी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी जी। अभी फंक्शनल पंजाब में नहीं, नोटिफाई हो गई है, फंक्शनल नहीं हुई अभी, ठीक है, वो अभी नॉमिनेशंस भी उनकी आ रही और ये वो चीजें हैं, वो मैं बताया ना कि उनके रूल्स पे काम हो रहा है। पहले जब ये जैसे इन्होंने बताया 279 की जितनी एफआईआर हुई है, तो उनको फिर कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे? वो तो सिंपली मिनिस्ट्रीज के पास जा रही थी ना, आपके पास जैसे इन्होंने कहा कि ये रिहैबिलिटेशन सेंटर, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको क्वेश्चन और मिलेंगे, आपको अंदाजा होता जाएगा, ठीक है। तो डायवर्जन का समझ आ गया, ये मुतबादल तरीकाकार है टू असेस द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं फिर कह रहा हूँ उसकी जो जिम्मेदारी बनती है, जो उसने जुर्म सरजद किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को असेस करने का एक मुतबादल तरीकाकार है। फिर 3 किस्म के ऑफेंसेज हैं इसमें, हीनियस, मेजर और माइनर। हीनियस ऑफेंसेज कौन से होते हैं? वेरी सीरियस, जिनकी सजा लाइफ, हाँ। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट कहता है कि किसी भी कानून में कोई भी सजा है, अगर वो 7 साल से ज्यादा है तो इस लॉ के अंदर वो हीनियस ऑफेंसेस होंगे, ठीक है। अगर 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम है दूसरी ब्रैकेट, तो वो मेजर ऑफेंसेस होंगे, ठीक है। और तीसरी जो है वो 3 साल से कम है तो फिर क्या होंगे? माइनर ऑफेंसेस होंगे। 3 ऑफेंसेस हो गए हैं जी, कौन कौन से जी? माइनर, मेजर और हीनियस। माइनर 3 साल तक, मेजर 7 साल तक, 3 साल से 7 साल तक, और हीनियस 7 साल से ऊपर, जिसके अंदर कत्ल है, डकैती है, जिसमें दूसरे हीनियस ऑफेंसेस आ जाते हैं, रेप आ जाते हैं, टेररिज्म क्या आते हैं, सब जो है वो क्या हो जाएंगे? हीनियस में आ जाएंगे। बाकी क्या है? मेजर और माइनर ऑफेंसेस हैं। अब एक और इसमें एक डेफिनेशन है जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर। अब ये जब लॉ बना रहे थे ना, मुझे भी एक दफा पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, फरतुल्ला बाबर साहब उस वक्त ह्यूमन राइट्स की कमेटी को कर रहे थे, तो उन्होंने वो सुन रहे थे कि क्यों जरूरी है लॉ, क्योंकि इससे पहले तो पंजाब ने जो है वो स्पेस आगे इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। और ये भी बता दूं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस जजमेंट अपनी जजमेंट दी थी 2005 के अंदर, जिसमें उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। 2019 के अंदर अपनी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर उन्होंने कहा कि चाइल्ड जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए, और फिर क्या था, पहली चाइल्ड कोर्ट जो थी पंजाब के अंदर लाहौर में जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसका इफ्तिताह किया था। उसके बाद 8 जो हैं वो बन चुकी हैं केपी के अंदर, 3 बन चुकी हैं कराची के अंदर, 2 जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर। तो वो चाइल्ड जस्टिस को प्रमोट करने के लिए भी आसिफ सईद खोसा साहब ने जो है वो सबसे ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए उनके दौर में, ये मामला जो आगे बढ़े। कोर्ट बच्चों के लिए अलग होते सर, अभी चाइल्ड कोर्ट्स जो हैं वो बनाई गई हैं, जो जुवेनाइल कोर्ट्स हैं बेसिकली उन्होंने नोटिफाई कर दिया कि तमाम क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं वो जुवेनाइल कोर्ट्स हैं, वो चाहे एटीसी है, चाहे वो मजिस्ट्रेटियल कोर्ट्स हैं, चाहे सेशन कोर्ट्स हैं। तो इसमें जो है फर्क यही पड़ा है कि वो सब कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं। हाँ, चाइल्ड कोर्ट्स वो बनाई गई हैं मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहाँ पे मिसाल के तौर पर लाहौर के अंदर चाइल्ड कोर्ट्स है, तो मोस्टली उनके केसेज जो जुवेनाइल्स के केसेज हैं वो चाइल्ड कोर्ट्स के अंदर भेजे जा रहे हैं। केपी के अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उन्होंने चाइल्ड कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पर वो बच्चे जो जुवेनाइल्स हैं और वो बच्चे जो विक्टिम हैं, उन सब के केसेज जो है वो चाइल्ड कोर्ट्स में जाते हैं। यानी चाइल्ड कोर्ट सिर्फ एक्सक्लूसिव जुवेनाइल कोर्ट नहीं है, वो सारे केसेज जो बच्चों के हैं उनको डील करती है, जहाँ पर बच्चा विक्टिम है, जहाँ पर बच्चा विटनेस है, या जहाँ पर बच्चा कंप्लेनेंट है। तो इन तीनों सूरतों में जो है वो बच्चा जो है वो उन कोर्ट्स में जाता है। तो विटनेस भी है तो तब भी जिसमें बच्चा विटनेस है, जिसमें बच्चा एक्यूज है, और जिसमें बच्चा कंप्लेनेंट या विक्टिम है। सीनियर्स की आपस में लड़ाई है, बेटा किसी का कोई देख लेता है ये होते हुए ऑफेंस वगैरह, तो क्या उनका केस चाइल्ड को
रेफर किया जा सकता है सर, रेफर किया जा सकता है, मगर अदरवाइज रेगुलर कोर्ट में भी अब चूंकि उनको कह दिया हुआ है, सो यू कैन मूव एन एप्लीकेशन प्रैक्टिकली के जी उधर ट्रांसफर कर दें अगर आपका बच्चा, ये कैसे साबित होता है कि वो जो कि नादरा का कार्ड देखा अभी अभी आगे उसमें चलते हैं अभी जो है वो देखते हैं उसको भी। अच्छा जी उसके अच्छा अब ये जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर एक अगली डेफिनेशन आ गई। जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या है, ये लॉ जब बन रहा था मैं बता रहा हूँ तो हमारी बड़ी डिस्कशंस रहती थी, फरतुल्ला बाबर साहब के पास पेश भी होते रहे उधर पार्लियामेंट हाउस में, सेनेट के अंदर उनकी प्रोसीडिंग होती रही कि किस लॉ को क्यों हम पास करें। खैर वो पास तो हो गया, वो चाहते थे कि ना बच्चा जेल में जाए और ना ही बच्चा थाने में ना जाए, अगर बच्चा जेल में ना जाए तो कहाँ पर जाए। उन्होंने कहा जी जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनेंगे जहां पर बच्चे को तरबियत दी जाएगी, बच्चे को तालीम दी जाएगी और उनको मौसर शहरी बनाकर वापस भेज दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे जब पहली चाइल्ड कोर्ट बनी जो मैं बता रहा हूँ, तो हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वहाँ पे जज साहब थे जो उन्होंने क्या किया, बंगू साहब काफ़ी मशहूर भी रहे हैं, एक दो उनके पास कमीशन थे, तो वो बंगू साहब ने क्या किया कि जब बच्चे के फाइनल ऑर्डर किए क्यूज़ के, तो उस बच्चे को कहा कि इसको रिहैबिलिटेशन, अपने ऑर्डर्स में लिखा कि इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाए, उन्होंने पकड़ा और उसको जेल में भेज दिया। तो जज साहब ने अगली वो जब वो अगली पेशी पे आया उसने कहा कहाँ पे हो तुम, उसने कहा जी मैं जेल में हूँ, उन्होंने कहा जी मैंने तो ऑर्डर किया था रिहैबिलिटेशन सेंटर में, अब रिहैबिलिटेशन सेंटर तो अभी कहीं पे बने ही नहीं है। फिर क्या उन्होंने शो काज नोटिस जारी कर दिया, कहा जी मैंने तो बच्चे को जो था रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा था, आपने जेल में क्यों भेजा बच्चे को। तो खैर उन्होंने क्या किया कि उसको फैसलाबाद का एक बच्चों की जेल है उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर द टाइम बीइंग डिक्लेयर कर दिया। ये उन्होंने जो है वो चीनी के डब्बे पर नमक लिखकर सब अपना काम चला लिया, वरना उन्होंने कहा कि हर जगह पर जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेंगे जहाँ पर बच्चे को तरबियत दी जाएगी, जो जेल का माहौल नहीं होगा बल्कि तालीम का सिस्टम होगा, वहाँ पर स्किल्स की जाएंगी, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये कर सकती है स्टेट अगर करना चाहे तो। अनफॉर्चुनेटली अभी इसकी तरफ केपी ने अपना कुछ बजट रखा हुआ है इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाने के लिए मुख्य डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और नहीं अभी भी जेलों के अंदर ही बच्चे जाते हैं, और अगर कनेक्शन हो जाए तो फिर वो फैसलाबाद या बहावलपुर में भेजते हैं जहाँ पर बच्चों की जेलें हैं, जहाँ पर बोस्टल होम्स हैं। अच्छा जी उसके बाद है बोस्टल, क्या चीज होती है जी? बोस्टल भी बेसिकली यूथफुल फेंडर्स के लिए सेंटर्स हैं, जो कि पुराने लॉ के मुताबिक थे, यूथफुल फेंडर ऑर्डिनेंस था एक पुराना लॉ था वो रिपील हो गए हुए हैं, लेकिन वो सेंटर्स अभी भी उसी तरह से चल रहे हैं। हमारे मुख्तलिफ लॉज जो है वो जब रिपील हुए तो उसके बावजूद वो दो सेंटर हैं पूरे पंजाब के अंदर, इसी तरह सिंध के अंदर कुछ हैं, केपी के अंदर तो शायद नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में प्रैक्टिस थी यूथफुल फेंडर्स के लिए सेपरेट सिस्टम था जो पुराने से चलता आ रहा है। वहाँ पर अभी भी एक लॉ है सिंध चिल्ड्रन एक्ट, सिंध के तरफ जो में डील हो रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर वो लॉ रिपील हो चुका है जिसके तरफ वो डील होते थे, अभी सिर्फ रूल्स ही हैं उनके प्रिजन रूल्स, उसके तक उन बच्चों को वहां पर रखा जाता है। अब ये जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर को वो जगह हो सकती है जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकते हैं, वो जगह कौन सी हो सकती है, वो दारुलमान भी हो सकता है, वो कोई सर्टिफाइड स्कूल भी हो सकता है, प्रोबेशन डिपार्टमेंट के अंदर चलता हुआ कोई स्कूल हो सकता है, कोई किसी एनजीओ का कोई इदारा हो सकता है जिसको गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि यहाँ पर बच्चों को रखा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको भी वो नोटिफाई कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा इदारा जो गवर्नमेंट के प्रीमिसेस में आता है तो उसको नोटिफाई कर देते हैं तो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर बन सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लैरिटी है ना, रिहैबिलिटेशन सेंटर मैं आगे प्रोबेशन का पूरा आता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी उसके बाद आ जाता है ऑब्जर्वेशन होम। मैंने बताया कि जब ये लॉ बना रहे थे तो इसकी इंटेंशन ये थी कि ना बच्चा जेल में जाए और ना ही बच्चा पुलिस थाने में जाए, अगर जेल में नहीं जाए तो कहाँ पे जाए, रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाए, और अगर हवालात में रखना है उसको रिमांड मिला है तो फिर थाने में, ये तो लॉ की इंटेंशन नहीं है कि वहां पर रखा जाए, तो कहाँ पे जाए, ऑब्जर्वेशन होम में जाए। इन्होंने थाने का मुतबादल क्या दिया, ऑब्जर्वेशन होम, जहां पर बच्चे को इंटेरोगेट करने के लिए टेम्परेरी स्टे के लिए जहां पर बच्चे को रखा जाएगा उसको क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन होम। ठीक है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो भी मौजूद नहीं है, थानों में उनको रखना पड़ता है, वो कोशिश तो करते हैं उनके लिए लहरा बच्चों के लिए कोई कमरा हो जहाँ फॉर्मल जो हवालात है वहाँ पे ना रखें, अगर बहुत छोटा बच्चा हो तो वो कहते हैं जी हम तो एस एच ओ के कमरे में बिठा देते हैं, जी हम तो बेस्ट इंटरेस्ट रखते हैं, इंश्योर करते हैं बच्चे का, लेकिन जो फॉर्मल ऑब्जर्वेशन होम्स हैं वो अभी तक पंजाब के अंदर या किसी भी सूबे के अंदर मौजूद नहीं। हाँ सिंध के अंदर बकायदा रिमांड होम सेपरेट हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे रिमांड पर आते हैं उनके लिए रिमांड होम
सेपरेट है, वो सिंध चिल्ड्रन एक्ट के तहत उन्होंने बनाए हुए हैं, दो तीन उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कराची के अंदर है, सक्कर के अंदर और हैदराबाद के अंदर है शायद, तो तीन उनके पास वहाँ पे रिमांड होम है जो पहले से सिस्टम चलता आ रहा है, लेकिन इस लॉ के अंदर भी अलहदा से हमें चाहिए ऑब्जर्वेशन होम। चौथा अगर कोई अगर नहीं बने हुए वगैरह तो या तो मिकदाद भाई या आप भी अगर अपना मशहूरी करना चाहते हैं तो आप में से भी कोई रेट वगैरह करके कोर्ट से डायरेक्शन लेके आप बनवा सकते हैं। बिल्कुल, उसामा साहब ने की हुई है ना एक पिटीशन इसके ऊपर जो है वो उसी के तरफ जो है वो रूल्स बन रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि उसको आप करें फाइनलाइज। जब पेशी आती है तो उनका प्रोसेस तेज हो जाता है रूल्स की फाइनलाइजेशन का। इसी तरह की पिटीशन जो थी वो केपी में हुई थी और उस पिटीशन के नतीजे में उन्होंने वहां पर रूल्स बना दिए हैं। अब पंजाब में प्रोसेस तो चल रहा है, अभी भी इस महीने भी एक उनका सेशन हुआ है, देखें कब वो फाइनल करते हैं, तो उसमें ऑब्जर्वेशन होम्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर दोनों बनने हैं। अच्छा जी, प्रोबेशन ऑफिसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस 1960। प्रोबेशन क्या होता है, क्या होता है प्रोबेशन? वैसे प्रोबेशन का मीनिंग क्या आपके जहन में क्या आता है? ऑब्जर्वेशन फॉर द टाइम बीइंग ऑब्जर्वेशन। आप में से किसी ने कोई जॉब की होगी वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड गुजारा किसी ने? ठीक है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड किसी ने गुजारा है? चेक करते हैं ना। हाँ, एक जो है ना वो सर्टेन टाइम के लिए आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि ये बंदा चल सकता है या नहीं चल सकता, उसी को हम प्रोबेशन आमतौर पे कहते हैं ना। जॉब करने के लिए क्योंकि 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, साल का प्रोबेशन पीरियड है, 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड है। आपको देखेंगे अगर आप ठीक है तो आपको रख लेंगे, अदरवाइज आपको फारिग कर देंगे। तो ये ऑब्जर्वेटरी पीरियड होता है ना जिसको, ये सेम ही है, एक पुराना सिस्टम है, पुराना हमारे अंग्रेज दौर से चलता आ रहा है। प्रोबेशन का पूरा एक डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और हमारे यहाँ उतनी हमने बड़ी कोशिश की उसको एक्टिवेट करने के लिए। सेशन कोर्ट के अंदर हमारी कैबिनेट ने उनको कमरा बनवा के दिया, मॉडल टाउन के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर और कैंट कोर्ट के अंदर के वहाँ पर बैठे और लोगों को पता चले। 2011 के बाद बहुत से केसेस जो थे वो प्रोबेशन की तरफ गए। जब भी कोर्ट के पास चलाने थे तो पेटी क्राइम्स के अंदर उसको मौका देने के लिए, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है और बहुत से सर्टन दूसरे क्राइम्स के अंदर, कोर्ट्स के पास पावर होती है कि प्रोबेशन पे रिलीज कर दिया जाए। प्रोबेशन क्या है कि 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड्स के दौरान अगर वो अपना कंडक्ट बेहतर कर लेता है, किसी और क्राइम में नहीं होता, तो उसको सजा नहीं दी जाती, उसका केस खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, उसको प्रोबेशन कहा जाता है। और ये सिस्टम जो है खवातीन के लिए इसमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है, सिवाय सजाए मौत के अलावा तकरीबन तमाम जराइम में वो प्रोबेशन पे जा सकती हैं। हमारे जो मेल है उनके लिए कम है, और फिर बच्चों के लिए बहुत से इसमें सिस्टम्स मौजूद हैं। मोस्टली बच्चे जो है वो CNS इसमें आते हैं, जब नार्कोटिक्स में आते हैं तो उनको प्रोबेशन पे छोड़ देती हैं कोर्ट्स जो है ना। जी जी सर, देखें प्रोबेशन जो है ना वो एट एनी टाइम जो है वो कोर्ट उसको रिलीज कर सकती है बिफोर कन्विक्शन और ऑन फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, ठीक है। इवन समटाइम वो जो है अभी चालान सबमिट होता है तो पहली डेट के ऊपर ही प्रोबेशन के ऊपर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो समटाइम वो बेल पे ही होता है और उसको प्रोबेशन पे भेज देते हैं, लेकिन जब पैरोल होता है वो तो बाकायदा कन्विक्टेड पर्सन को जेल के अंदर से ऐसा आप रहा करते हैं ना। प्रोबेशन एंड प्रोक्लेमेशन डिपार्टमेंट है पूरे का पूरा ना जो इसको डील करता है। प्रोबेशन ऑफिसर अलहदा है और पेरोल ऑफिसर्स अलहदा हैं, जो जेलों के अंदर जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज को, किसी को पेरोल के ऊपर बंदा चाहिए, किसी को मशक्ति चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो पैसे देकर अपने बंदे जो है वो समटाइम वो रिलीज करवा लेते हैं कि हमारे यहाँ ये मशक्कत कर ले, हम इसकी पेमेंट वो करते रहेंगे जेल के अंदर। तो वो पूरा डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारी बात हो रही है वो प्रोबेशन के ऊपर बात हो रही है। वो प्रोबेशन जहाँ पर बच्चा जो है वो आ रहा है या कोई भी आ रहा है और उसके पास क्वेश्चन कोर्ट के पास ये पावर मौजूद है कि वो उसको रिलीज कर दे। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस छोटा सा 1960 का लॉ है, उसको भी अगर आप देख लेंगे तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। बहुत से केसेस में आप किसी भी बंदे को वो कहता है जी मैंने जेल नहीं जाना, आप उसको प्रोबेशन पर रिलीज करवा लें उस, लेकिन प्रोबेशन जो है समटाइम मोस्टली जो है वो कन्विक्शन काउंट होती है, ठीक है, उसमें जेल नहीं जाता बंदा। सबके लिए अडल्ट के लिए बताया कि खवातीन के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो प्रोबेशन ऑफेंडर ऑर्डिनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी के तहत ये प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, उनका कुछ रोल है इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में, वो क्या रोल है आगे जाके देखते हैं। फिर है जी सूटेबल पर्सन,
एक और डेफिनेशन है, सूटेबल पर्सन वो शख्स, मौजूद शख्स जिसको कोर्ट समझती है कि इसको अगर बच्चे की कस्टडी दे दी जाए, वो कोई नंबरदार हो सकता है, वो कोई यूनियन काउंसिल का काउंसलर हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन अदारा हो सकता है, तो वो सूटेबल पर्सन है। बच्चे को रिलीज करना चाह रही है कोर्ट, लेकिन वो कहते हैं कि इसके तो पेरेंट्स ही नहीं हमें पता। आप कहते हैं ना, आप इसको किसी एनजीओ के हवाले कर दें, इसको ब्यूरो के हवाले कर दें, इसको जो है वो फलां जो है वो काउंसलर के हवाले कर दें, ठीक है, तो वो सूटेबल पर्सन हो सकता है। मुझे याद है हमने केस किया जिसमें बच्चा फ्रेंच था, तो वो बड़ा मशहूर केस था, फ्रेंच बच्चे का केस था, तो उसको पेरेंट्स ने पेरिस से आना था, उसकी कस्टडी उनको पेरेंट्स को वालदा को मिलनी थी, लेकिन सूटेबल पर्सन कोई नहीं मिल रहा था कि अब इसको किसके हवाले किया जाए। तो क्या किया मैडम उस वक्त आसपास जिंदा थी, तो कोर्ट ने कहा कि ये सूटेबल पर्सन यही है, ठीक है, तो उनके हवाले उनकी कस्टडी कर दी। तो सूटेबल पर्सन जिसके ऊपर कोर्ट रिलाई करती है कि उसकी कस्टडी में बच्चा जो है वो किसी किस्म का उसको हार्म नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, और इसको दो तीन दिन के लिए या टेम्परेरीली इसको हैंड ओवर किया जा सकता है। वकील साहब अपने नाम पर ले सकते हैं, अपना नाम भी ले सकते हैं बिल्कुल, वो तो फिर गार्डियन वार्स एक्ट के तहत पूरा जाना पड़ेगा ना। ये तो टेम्परेरी कस्टडी है, कल के लिए या दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, इसके वालदैन आ जाते हैं तो फिर हम आप डिसाइड कर दीजिएगा फिलहाल इसकी कस्टडी, बजाय इसको जेल भेजने के या थाने भेजने के आप हमारे वाले करते हैं। तो ये सूटेबल पर्सन है जिसके ऊपर कोर्ट रिलाई कर रही है, सिर्फ ये पॉइंट है इसमें जिसके ऊपर कर सकती है कोर्ट। इसमें क्या क्या इसी में सूटेबल पर्सन एनी मीन्स एनी पर्सन ट्रस्ट एसोसिएशन और सोसाइटी ड्यूली, मैंने कहा कि आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, कोई अदारा भी हो सकता है ना, कोई रजिस्टर्ड अदारा है, फलाही अदारा है जो बच्चों के साथ डील करता है, मुख्तलिफ अदारे खुले हुए हैं, अगर उनको भी ये कस्टडी दी जा सकती है। पंजाब के अंदर तो ये मुश्किल है क्योंकि पंजाब के अंदर सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो है जो गवर्नमेंट का अदारा है जिसके जिसको कस्टडी तफवीज की जा सकती है, अदरवाइज तमाम बच्चों के लिए जो इदारे हैं वो उस तरह से रजिस्टर्ड नहीं होते। सो यतीमखाने हैं कुछ जो स्पेशलाइज ट्रस्ट के तौर पर चल रहे हैं, जो पहले से इस्लाह से चल रहे हैं, अदर एस ओ एस है या उस तरह से ईदी है, उनको बच्चे समटाइम कोर्स देती हैं, अदरवाइज हमारे पास इदारे नहीं हैं ना रजिस्टर्ड किए जाते हैं इस लॉ के आने के बाद 2004 के बाद। पंजाब डेस्टिट्यूट निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004 जब आया था तो उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो बना, उसके तहत जो है वो इदारे बने, उन इदारों को दिया जाता है ऐसे जो बच्चे जिनका कोई भी नहीं होता। तो ये डेफिनेशंस थी जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको कॉन्सेप्ट जो है जानना जरूरी है। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई इसमें तो हम बात कर लेते हैं और आगे चलते हैं इसके फीचर्स के मुताबिक। डेफिनेशन आ गई समझ? ये बड़ा मजे का आगे लड़ाई वाला क्विज होना है, वो सादा सुधा नहीं होना, ये सोच लीजिएगा अभी पूछना है जिसने पूछना है। बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, समटाइम 40 साल का बच्चा जो है वो भी होता है, ठीक है ना। मैं केपी में करवा रहा था ट्रेनिंग, तो मैंने क्वेश्चन फ्लोट किया कि आपके घर में कितने बच्चे हैं। एक एसएचओ साहब कहते हैं कि वो पुलिस की ट्रेनिंग थी, कहते हैं कि मेरा बड़ा बच्चा जो है ना वो 42 साल का है, ठीक है ना। और लेकिन होता ही ये है कि वो, मैं फिर पुलिस वाले को कहा, मैं कहा अपने घर का बच्चा जो है ना वो तुम्हें 42 साल वाला भी बच्चा लगता है, लेकिन अगर थाने में कोई 16 साल का बच्चा आ जाए और वो उसकी सोचने की सलाहियत ज़्यादा हो तो तुम्हें वो बच्चा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा ये बात तो वाकई ऐसे ही है। बेसिकली ये एक कह लें कि कटिंग एज है, इससे नीचे हर शख्स बच्चा है, ठीक है। वो चाहे जितना मर्जी क्लेवर है, वो जैसे मर्जी है, वो बच्चा कंसीडर होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चे को डेवलप करने में अडल्ट का किरदार होता है, सोसाइटी का किरदार होता है। अगर वो कोई मुजरम बनता है या हार्डकोर उसने कोई जुर्म किया हुआ है तो उसमें सोसाइटी और अडल्ट का किरदार होता है। बच्चे की कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन अडल्ट की जिम्मेदारी ज्यादा है जिन्होंने इसको इस तरफ लगाया है, इस वजह से हम उसको बच्चा ही कंसिडर करते हैं 18 साल की उम्र तक। अब बच्चे की असेसमेंट कैसे होगी, एज असेसमेंट कैसे होगी, वो आगे हम जाकर देखते हैं कि जुवेनाइल कैसे प्रूव करेंगे कि कोई शख्स जुवेनाइल है या नहीं है या झूठ है, ये चीज आगे जाके देखते हैं, ठीक है। और कोई डेफिनेशन के हवाले से? अच्छा जी, इसके फीचर्स ये हैं जी। ये डेफिनेशन कहां पे? सेक्शन 2 में मौजूद है, सेक्शन 2 में जी सर, आप जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जी सर, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि 24 आवर्स के अंदर किसी भी बच्चे को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके पेरेंट्स को और प्रोबेशन ऑफिसर को आगाह किया जाएगा कि ये बच्चा हमने गिरफ्तार किया है, तो उसकी इतला जो है ना उसके पेरेंट्स को और कंसर्न जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसको दी जाएगी।
लेकिन अभी पुलिस के पास ये एक्सक्यूज है कि जी हमारे पास तो अभी रूल्स ही नहीं बने, हम कैसे इतला दें, हमें क्या पता क्या तरीका कर रही है नहीं, तो वो फिलहाल एक्सक्यूज केपी के अंदर ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है कि प्रोबेशन ऑफिसर को और पेरेंट्स को मस्ट 24 आवर्स के अंदर तलाश करके वो इन्फॉर्म करें। और जो आप कह रहे हैं उर्दू वाला कि अंग्रेजी वाला या ओ, 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 या है कि नहीं नहीं और उर्दू वाला है, सॉरी दोनों को किया जाए। हाँ दोनों को किया जाए, पेरेंट्स वालदैन को और जो है प्रोबेशन ऑफिसर दोनों को जो है वो आगाह किया जाएगा कि हमने एक बच्चे को कस्टडी में लिया है फलामला जुर्म के अंदर और ये हमारे पास इस थाने में मौजूद है, ठीक है, सबसे पहले इत्तला दी जाएगी। जैसे अब राइट टू इंफ्रेंस हो रहा है, कानून भी है, तो फिर इसका कौन जिम्मेदार होगा? हम सारे सोसाइटी जिम्मेदार है, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बताते भी नहीं है सम टाइम हमें जाके वो नुकता उठाया था 279 में, तो जैसा बिल्कुल इसी तरह ही होता है ना, जब हम मुसलसल फोर्स करते रहते हैं, तो मैंने बताया कि लॉज तो पता भी नहीं था पहले जजेस को, ये इसका पता भी नहीं होता था, और सम टाइम वो ऐसी ऐसी बातें अजीब करते थे, मैं बताना नहीं चाहता कि बड़ा इंटरेस्टिंग उनके पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये आपको बच्चा लग रहा है, ये जब 18 साल से काम है और प्रूफ हो गया है और एडमिटेड है तो फिर वो बच्चा ही है, फिर उसको ये सारे राइट्स देने हैं। तो जो है अच्छा, ये फर्स्ट इसका सेलेंट फीचर है कि हम उनको इन्फॉर्म करेंगे जब भी बच्चे को अरेस्ट करेंगे या कस्टडी में लेंगे। दूसरा इसका फीचर है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमारी अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट हम नहीं करवाना है ना, हमारे पास इसमें बड़ी चीजें निकल आती हैं आर्ग्यू करने के लिए। समटाइम अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक केस था, उसके अंदर उसने रिमांड लिया 3 दिन का और तीसरे दिन उसने पेश नहीं किया, फंस गया, ठीक है, वो आके फिर मिलते हैं और कर ले, फिर हमने अपनी कंडीशंस के मुताबिक उसके साथ वो जो भी डील करना था उसके साथ किया, ठीक है, वो और रिमांड चाहता था उसका जो है फिजिकल रिमांड, लेकिन हमने उसको कहा जुडिशल करो वरना तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी लगवाएंगे। लॉ अगर हमें ना बताओ हम जो है वो हम भी रिलैक्स हों तो ऑब्वियसली वो उसको गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हमें लॉ पता होता है तो हम उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा बच्चा अरेस्ट किया हुआ है लेकिन आप FIR ही नहीं दे रहे, आप क्या करेंगे? आप इधर से लें वो हैबियस फाइल करें और जाके रिकवर करवाएं, ये तो फिर देखें आपकी मिलते हैं तल्ले कैसे होती है। हैबियस के लिए सर संडे को वो वर्किंग नहीं होती, सैटरडे को अरेस्ट किया है, तो वो आप कह रहे हैं यार FIR दे दें, अगर पर्चा हो गया FIR हो गया। अच्छा हाँ, इसके रिड्रेसल के और भी मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, जिसमें अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एक्ट 2019 पास हुआ है, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसके कमिश्नर को आप लिख सकते हैं फौरी तौर के ऊपर, वो इंटरवीन कर सकते हैं, उनके पास पावर्स हैं इंक्वायरी करने की, उनके पास पावर्स हैं गवर्नमेंट को सजेस्ट करने की, एक बहुत अच्छा लॉ है, और रेमिडीज मौजूद हैं जिनके मुतालिक सोचा जाए, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उनको कहा जा सकता है कि वो ये फौरी तौर पर इंटरवीन करें, जो उनके हमारे प्रोविंशियल मेंबर होते हैं वो उनके पास पावर्स है फॉरन रिकॉर्ड तलब करने की और इस किस्म की इंटरवेंशन करने की। उनकी हेल्पलाइंस मौजूद हैं, काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, सिस्टम्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं, ऑब्वियसली हम बहुत आइडियल स्टेट में नहीं रहते, आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या कुछ होता है। जी सर, जी जी मैं उस पर आगे बात करता हूँ सर, उसमें आएगा, ठीक है। अच्छा जी आगे आ जाती है बेल, जो सबसे इसमें डिटरमिनेशन पहले बता दें सर, वो डिटरमिनेशन इसमें सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, हाँ इससे ऊपर है बेल है। चले सर के मुताबिक पहले डिटरमिनेशन बता देते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ एज कैसे होगी, कैसे होगी टर्मिनेशन ऑफ एज, कैसे पता चलेगा कोई बच्चा है? थ्रू डॉक्यूमेंट्स पता चलेगा, बे फॉर्म लेने, लाइट टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, और बे फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, बिल्कुल। 2000 का जो लॉ था वो इस वाले से थोड़ा सा साइलेंट था, डिटर्मिनेशन ऑफ एज के ऊपर कोई इतना जो था वो
ज्यादा बात नहीं करता था, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स हुई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्ली ली गई भी है, तो बच्चा था जी, इसकी तो एज ने डिटरमिन की, और समटाइम कोई हैंगिंग्स हो गई, डेथ पेनल्टी हमने अवार्ड कर दी तो इंटरनेशनली रोला पड़ गया, वो आपने जुवेनाइल को जो हैंग कर दिया, आपने जो है वो सजाए मौत जो है वो बच्चे को दे दी, ये बड़ी प्रॉब्लम रही उस लॉ के अंदर। उसको कंटेल करने के लिए उन्होंने एज डिटर्मिनेशन के प्रोटोकॉल्स दे दिए जो कि बहुत बेहतर हैं, बहुत पहले से इम्प्रूव्ड हैं अगर इसके ऊपर अमल किया जाए तो, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एज है ना, वो सबसे पहले उन्होंने जिम्मेदारी लगा दी कि पुलिस डिटर्मिन करेगी कि एज इसकी बच्चे की क्या है, जब भी गिरफ्तार करेगी बच्चे को, अगर वो बच्चा खुद क्लेम करता है कि मेरी उम्र 18 साल से कम है या मैं बच्चा हूँ या कोई और, या बच्चे को उसकी शक्ल से पता चल रहा है कि वो 18 साल से कम उम्र है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस से पता चल रहा है, तो कोर्ट की, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो एज को डिटर्मिन करे। अब एज को डिटर्मिनेशन के जो प्रोटोकॉल्स है ना वो तीन है, सबसे पहला जो आपने बात की, सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट है, कहीं पर बर्थ सर्टिफिकेट है, कहीं पर जन्म पर्ची है, कहीं पर हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, ठीक है ना, ये जो है वो जो हॉस्पिटल से पर्ची बन जाती है, वो सारे के सारे बर्थ से रिलेटेड हैं चीजें। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो बर्थ का रिकॉर्ड है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट है। दूसरा है जी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, वो स्कूल एडमिशन सर्टिफिकेट हो सकता है, वो कोई सनद हो सकती है, कोई रिजल्ट कार्ड हो सकता है जिसके ऊपर उम्र लिखी हुई थी या जिसके ऊपर वो एज लिखी हुई थी, जिससे वो डिटरमिन कर सकता है पुलिस वाला, उसके पास दूसरी बात होगी। फिर तीसरी बात है एनी अदर पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट, तीसरा लफ्ज जो यूज किया गया, एनी अदर पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट, कोई भी अहम डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है, वो अहम डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर पासपोर्ट बना होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट ला देंगे। सर एक ये बाद में बात करते हैं अभी, अब इस तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहे हैं। फासी टीकों का कार्ड होता है, सबने जो है वो फासी टीका लाज मिलेगा, ये पुलिस वाला गिरफ्तार है, मैं कह रही कोई बताएं एनी अदर पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट, कह रही आजकल यूनियन काउंसिल में पोलियो का रिकॉर्ड हर बच्चे का मौजूद है, तो हम वहां से असेस कर सकते हैं, अगर पुलिस वाले करना चाहें ये डिटरमिन तो कोई मसला नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं डॉक्यूमेंट्री जिनको प्रेफरेंस दी जाएगी, और जो जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर ये पहली तीन चीजें हैं। नादरा का डॉक्यूमेंट नहीं आएगा आपका, फैमिली फैमिली की जो है, सबसे पहले बर्थ है ना, बर्थ का, बर्थ के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो नादरा का वो इशू किया हुआ रिकॉर्ड भी हो सकता है, बच्चों का नहीं, वो जुवेनाइल जिनके तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है उनके लिए तो ये दोनों चीजें बर्थ सर्टिफिकेट या एजुकेशन सर्टिफिकेट है। एनी अदर पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, अब उसके बड़े भाई और छोटे बहन का भी हो सकता है, उससे अंदाजा हो सकता है कि इसके दरमियान में ये बच्चा आ रहा है तो इसकी उम्र कितनी है, ठीक है, वो पोलियो का रिकॉर्ड भी हो सकता है, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी हो सकता है, कोई और उसका एक्सीडेंट हुआ था उसमें उसने ऑपरेशन करवाया था उसकी कोई पर्ची मिल जाती है उसमें लिखा हुआ है उम्र, उधर से पता चलता है। एनी अदर पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने स्कोप काफी ज्यादा बढ़ा दी है कि पुलिस कहीं से भी जो है उसकी एज को डिटर्मिन कर सकती है। अच्छा, इनमें से कोई भी चीज नहीं मिलती और जो है वो कन्विंस नहीं है पुलिस, तो फिर आहर के अंदर जो है वो ऑसिफिकेशन टेस्ट है या मेडिकल जो असेसमेंट है वो आहर में आएगी, ठीक है। ऑसिफिकेशन टेस्ट जिसको आपने कहा था, वही है जो उसकी क्लाई से या उसके जॉस से जो है वो असेस करते हैं, एक्सरेस के जरिए से, उसके लेयर्स के जरिए से असेस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो एज असेसमेंट के लिए जो मेडिकल के अंदर जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, जिन स्टडीज के ऊपर रिलाई किया जाता है वो यूरोप की अमेरिका की हैं, तो इस वजह से हमारा एतराज ये हमेशा होता है कि चूंकि ये पाकिस्तानी है, बरसगीर का डाटा नहीं है, हमारी लेयर्स डिफरेंट है, तो वो 200 का मार्जिन ऊपर भी देते हैं, 200 का मार्जिन नीचे भी देते हैं, इसके दरमियान है कहीं पर, तो उसका समटाइम फायदा भी होता है और समटाइम नुकसान भी होता है, तो एग्जैक्ट इसलिए प्रोटोकॉल्स ये कहते हैं कि ज्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को जो है वो दी जाए, प्रेफरेंस दी जाए, ठीक है जी। तो ये निकालनामा भी हो सकता है सर पेरेंट्स का, बिल्कुल बिल्कुल निकालनामा हो सकता है बच्चे का, कहने बच्चे पैदा बाद वो सबसे बड़ा बच्चा है और वो समटाइम होता है, बिल्कुल उसमें पेरेंट्स ने कहा कि हमारी शादी नहीं हो सकती हुई थी, आप कह रहे हैं कि बच्ची जो 18 साल की होगी तो 18 साल तो हमारी शादी को नहीं हुई, बिल्कुल इसका हो सकता है। तो ये प्रोटोकॉल है जी, किसका आंकड़ा था जी सर? सर दो सवाल आते हैं, तो ये अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आपस में जो है वो डेट्स मैच ना कर रही है फिर किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, और दूसरा ये है कि ये जो एज है ये एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस है, फॉर एग्जांपल आज अगर ऑफेंस कमिट हुआ है और एक दिन बाद वो जुवेनाइल वो है जो एट द टाइम ऑफ ऑफेंस जब कमीशन हुआ था उस वक्त वो उसकी उम्र 18 साल से कम थी, अगले दिन वो जुवेनाइल से बाहर भी निकल जाए तो उसको जो राइट्स हैं वो सारे के सारे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत ही मिलेंगे, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है।
और जहां पर कंफ्लिक्ट आ जाए तो वहां पर तो ऑब्वियसली आप उस पर चैलेंज भी कर सकते हैं, उसको जो है वो देख भी सकते हैं, उसकी सेहत का ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रूफ ऑब्वियसली कोर्ट में आप कर सकते हैं कि ये गलत है या सही है वो मामला। ये तो सिर्फ असेसमेंट है जो पुलिस ने करनी है ड्यूरिंग जब उसको अरेस्ट किया है, जब उसको गिरफ्तार किया है, ठीक है। क्योंकि अब इसमें क्लियरली लिखा है आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो रिमांड नहीं देगा अगर आप उसकी एज को असेस करके नहीं जाते, ठीक है। हमने लाहौर की जुडिशियल अकेडमी में लेक्चर दिया तो उसके बाद दो जजेस का फोन आया, आज मैंने रिमांड नहीं दिया, उन्होंने उम्र ही नहीं से लिखी हुई, ठीक है। उन्होंने कहा गलत बंदा आया हुआ था, आईओ जो था वो गलत था, इस लॉ के मुताबिक नहीं था, और दूसरा जो था उसने उम्र असेस नहीं की हुई थी, मैंने रिमांड देने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो रिमांड देने से इनकार कर सकती है कोर्ट, आप अगर रिमांड कंटेस्ट कर रहे हैं तो आप इस चीज को बेस बनाएं, इसने उम्र ही नहीं असेस की, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके फायदे में जाएंगी। धीरे जी बेल मैं अब वो आते हैं उस पर, अब आ जाते हैं हीनियस बेल के ऊपर। अब हमें पता चल गया ये जुवेनाइल है, ठीक है, तो अब उसकी बेल का तरीकाकार क्या होगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी कमाई का जो जरिया होता है, माइनर ऑफेंसेस और मेजर ऑफेंसेस हमें सबको याद हैं कि कौन कौन से थे, ठीक है, 3 साल और 7 साल तक जो है वो माइनर और मेजर ऑफेंसेस हैं। माइनर ऑफेंसेस में और मेजर ऑफेंसेस के अंदर बेल एज अ राइट ग्रांट कर दी जाएगी बच्चे को, ठीक है। जुवेनाइल के लिए बेल एज अ राइट ग्रांट की जाएगी विद और विदाउट श्योरिटी, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन उसको बेल एज अ राइट ग्रांट की जाएगी उसको अगर वो माइनर या मेजर ऑफेंसेस में है। हाँ, हीनियस ऑफेंसेस के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर बच्चे की उम्र 16 साल से कम उम्र तो इस लॉ के अंदर है कि वो 16 साल से ज्यादा है तो वो डिस्क्रिप्शन होगी कोर्ट की, ठीक है। और ऑब्वियसली कोर्ट फिर वो प्रोसीजरल लॉ को हमारे सीआरपीसी को 497 को देखेगी, 497 फिर इंक्लाइंड है कि 16 साल की उम्र तक के बच्चा जो है वो उसको बेल ग्रांट कर सकती है, ठीक है, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन माइनर ऑफेंसेस में और मेजर ऑफेंसेस में बेल एज अ राइट है, बेल किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो कोर्ट भी ले सकती है और इवन पुलिस भी ले सकती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है कि पुलिस वाले जो सर ऑब्वियसली कोर्ट में जाएंगे तो आप पिटीशन के साथ ही जाएंगे और साथ में पाकिस्तान में है, हाँ। इंग्लैंड में आपको सलमान सफदर साहब के लेक्चर में बताया गया था, वहाँ पे आप ओरली भी कह सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है, हम बहुत से केसेस में जो है सिंपली रिमांड पेपर के ऊपर भी बेल जो है ग्रांट की जा सकती है, आप उधर मैंने बताया कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उसको ले गए हैं या उसको जुडिशियल कर दिया है या उसको जो है वो उन्होंने अभी भी रखा हुआ है तो आप उस पर बेल जो है वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अंडर द जीडीएस एक्ट जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि ही शैल बी रिलीज, ठीक है ना। वो जी वो तो करते ही नहीं है बिल्कुल ऐसे, लेकिन आपके पास ये मौजूद है। आइडियली ये तो बेसिकली जब ये लॉ बन रहा था तो था कि मिनिस्ट्रियल कोर्ट से इसको निकाल दिया जाए, इसको जो है वो स्पेशल कोर्ट्स हों और उनके पास ये मैटर्स जो है वो जाएं, लेकिन उन्होंने फिर वो अभी तक इसको उसी तरीके में रखा हुआ है कि रिमांड कहीं पे है और जो है ट्रायल कहीं पे और वो सारी चीज़ें हैं, इसको स्पेशल लॉ उस तरह से बनाया ही नहीं गया, जो स्पेशल हम कहते हैं एक्सक्लूसिव जुवेनाइल कोर्ट्स उस तरह से बन नहीं सकी, वरना एक्सक्लूसिव जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर ये सारे मैटर डिसाइड होने थे, ठीक है। तो अभी भी वो आप लेकिन इवन देन रिमांड के ऊपर जो है वो आप कंटेस्ट कर सकते हैं उसकी जुवेनाइलिटी की बेसिस के ऊपर और उसको रिलीज करवा सकते हैं अगर वो माइनर और मेजर है, और हीनियस ऑफेंसेस में डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की। और आखिरी बात जो बेल के ऊपर है कि अगर 6 माह तक 6 माह तक अगर उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो तब भी बेल एज अ राइट ग्रांट कर दी जाएगी जुवेनाइल को, ठीक है। 6 महीने तक अगर हीनियस ऑफेंसेस के अंदर भी है और 6 माह तक अगर उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो फिर आप क्या है बेल एज अ राइट उसकी क्लेम कर सकते हैं और वो रिलीज हो जाएगा। इंटरोगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जुवेनाइल की इंटरोगेशन के लिए उन्होंने जो तरीकाकार बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम शख्स नहीं होगा जो बच्चे की या जुवेनाइल की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है ना। कौन होगा? सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम नहीं होगा शख्स जो बच्चे की इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसकी जो सुपरविजन है वो एसटीपीओ या डीपीओ जो वो कर रहा होगा और उसकी मुआवनत असिस्टेंस जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर कर रहा होगा, ठीक है। ये इंटरोगेशन का और इन्वेस्टिगेशन का तरीका जो है इसके अंदर बताया गया है,
लेकिन मैं बताया कि हमने जब ये मल्टीपल इसमें सेशंस लिए तो अब क्या हुआ, हैंडकफ किया हुआ है बच्चे का रिमांड लेने के लिए मिनिस्टर साहब के पास आके, जिन्होंने हमारा सेशन अटेंड किया था उन्होंने कहा जी हमने तो आपको रिमांड नहीं देना, तुम तो आइयो ही नहीं हो, आइयो तो सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम नहीं हो सकता, तुम कहाँ से लेके आ गए बच्चे को, मैं तुम्हें रिमांड नहीं दे रहा या दे रही, ठीक है, तो वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो क्या है कि सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम शख्स बच्चे की इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, वो कांस्टेबल को देकर भेज दें तो आपके पास बड़ी सीधी सीधी प्ली आ जाती है कि उसको चैलेंज करें, ठीक है, वो डिस्चार्ज तो नहीं करेंगे, वो यही कहेंगे कि इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से लेकर आओ, आईओ जो प्रॉपर बनता है इसका उसके साथ आओ जी सर, फिर वो कॉल करते हैं, हाँ वो फिर वो लेके आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। अब प्रोबेशन ऑफिसर का पता चल गया कि जो प्रोबेशन ऑफेंडर ऑर्डिनेंस 1960 के तहत जो पॉइंट हुए हैं ऑलरेडी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं, तकरीबन 18 के करीब लाहौर के अंदर हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी में एक या किसी दो में दो हैं। तो प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, उन्होंने कब इन्फॉर्म करना है, जैसे ही बच्चे को अरेस्ट किया तो उन्होंने इन्फॉर्म करना है प्रोबेशन ऑफिसर को। आप प्रोबेशन ऑफिसर का काम क्या है, देखें पुलिस का काम क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन करें और अपनी जो है वो रिपोर्ट मुतब करे, जिसको हम क्या कहते हैं चलान 173 की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाते हैं, ठीक है। अब प्रोबेशन ऑफिसर ने भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जब पहली कोर्ट चाइल्ड कोर्ट बनी तो यहाँ पे जो जज साहब थे उन्होंने तो उन्होंने कहा जी मैं तो रिपोर्ट लूंगा, उन्होंने कहा सर हमारे रूल्स ही नहीं बने अभी तक, हमने उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें जो है शो कास्ट दूंगा, तुम रिपोर्ट बना के लेके आओ। इन्होंने बनाना शुरू कर दी, कुछ रिपोर्ट वो सबमिट होती रही है लाहौर के अंदर, उसको कहते हैं सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, SIR सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब वो चालान के साथ ही सबमिट हो जाएगी कोर्ट के अंदर और वो कॉन्फिडेंशियल होगी, कोर्ट के अलावा या रेलिवेंट पर्सन जो है उसको नहीं देख सकता। अब जो पुलिस की रिपोर्ट होगी वो तो ऑब्वियसली वकूआ से मुतलिक होगी ना, चालान क्या होता है वकूआ से मुतलिक, इसने इस तरह से किया, ये इसके खिलाफ सबूत है, ये चीजें हैं वो चीजें हैं, सारी जिमनी है उसके अंदर, वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रिपोर्ट है। ये सोशल इन्वेस्टिगेशन उसकी तालीम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, किन सर्कमस्टांसिस में इसने जुर्म किया, पहले भी ऑफेंडर था, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उन सारी चीजों के मुतालिक कवर कर रही होगी और ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जिसके ऊपर कोर्ट रिलाय भी कर सकती है और रिलाय करके बच्चा या जुवेनाइल जो है उसको रिलीज भी कर सकती है और उसको कन्विक्ट भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इसकी प्रैक्टिस उस तरह से नहीं है, मैंने बताया कि चंद रिपोर्ट्स के अलावा यहाँ पर वो प्रैक्टिस नहीं है कि SIR को सबमिट करवाया जाए चालान के साथ प्रोबेशन डिपार्टमेंट, लेकिन अभी अगर रूल्स बन जाते हैं अगले महीने दो महीने के अंदर तो फिर ये कंपल्सरी पार्ट है चालान का कि कोर्ट के अंदर जुवेनाइल कोर्ट के अंदर इसको सबमिट करवाया जाए और इसके ऊपर वो कोर्ट जो है वो रिलाय करेगी, ठीक है। ये सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है ना, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसकी मैंने बताया कि जो भी उसकी सोशल लाइफ से मुतल्लिक है ना वो सारी की सारी चीजें कवर करके वो रिपोर्ट बनाएगा। उन्होंने अभी एक स्पेसिमेन भी दिया है जिसमें वो चाह रहे हैं कि ये चीजें उसके अंदर इंक्लूड हों, क्योंकि अभी तो उनको भी नहीं पता कि हमने क्या करना है तो क्या नहीं करना, क्या चीजें कवर करनी है। हाँ, इस तरह प्रोबेशन डिपार्टमेंट से आएगी ना रिपोर्ट, वो प्रोबेशन डिपार्टमेंट से आएगी। अच्छा जी, उसके बाद डिस्पोजल ऑफ केस थ्रू डायवर्जन। अब ये बड़ी मजे की चीज है, डायवर्जन हमने क्या कहा था सर, अल्टरनेट वे टू डिटरमिन द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे का क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर्च करने के लिए मुतबादल तरीका क्या है, डायवर्जन। अब डायवर्जन के अंदर उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना दी जाए जो बच्चे अक्यूज हैं या जो बच्चे जुवेनाइल हैं उनके मैटर्स को डिसाइड करने के लिए, वो कमेटी किन लोगों पर मुश्तमिल हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबसे पहला, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चार बंदों पर मुश्तमिल ये कमेटी होगी जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनेगी जिसको हम कहेंगे जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। हाँ जी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एक वकील साहब और एक प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है। वकील साहब की नॉमिनेशन बाहर देगी जिसकी स्टैंडिंग 7 साल से कम नहीं होगी और जो होगा प्रोबेशन ऑफिसर उसके उसका डिपार्टमेंट देगा, ठीक है। इन्होंने अब नोटिफाई किए हैं लेकिन उसमें दोनों पोजीशन वैकेंट है, वकील की और जो है प्रोबेशन ऑफिसर्स, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट ने किया है नोटिफाई कमेटीज लेकिन इस वजह से वो फंक्शनल नहीं है। अभी उनकी नॉमिनेशन आएंगी और सेशन जज साहब सारों को वो नोटिस भेजेंगे और उसके बाद ये फंक्शनल होंगी। अगर बार एसोसिएशन में सर, बार एसोसिएशन के काउंसिल में, बार एसोसिएशन में तो हर इलाके डिस्ट्रिक्ट बार में, तो आप कल बता दीजिए हम परसों करवा यहाँ से डायरेक्शन दे देते हैं सारी बार एसोसिएशन। अभी वो उनके पास एक्सक्यूज ये है कि रूल्स नहीं है, अच्छा
अच्छा, अब किस पॉइंट के ऊपर डायवर्जन हो सकती है? डायवर्जन मैंने बताया ना कि किन केसेस में होगी, जिनके अंदर जुवेनाइल माइनर ऑफेंसेस के अंदर एंगेज है, छोटे मोटे उसने चोरी कर ली है, छोटा मोटा क्राइम कर लिया, माइनर जिनकी सजा 3 साल से कम है, उनके अंदर क्या होगी, डायवर्जन हो सकती है, डायवर्जन अल्टरनेट वे। और मेजर ऑफेंसेस में जहां पर बच्चे की उम्र 16 साल से कम होगी, ठीक है, हीनियस ऑफेंसेस के अंदर पंचायत नहीं बैठेगी, कत्ल में, रेप में, एंटी टेररिज्म, ये वो सारे केसेस के अंदर ये कमेटी काम नहीं करेगी। सिर्फ दो किस्म के ऑफेंसेस, माइनर में तमाम बच्चे 18 साल तक की उम्र के, मेजर के अंदर जब बच्चे की उम्र 16 साल से कम है। मेजर के एग्जांपल्स कुछ बता सकते हैं, कौन से ऑफेंसेस होंगे ताकि इनके ज़हन में भी हो? इसमें 3 से 7 हाँ, ट्रैफिकिंग के आ सकते हैं, पासपोर्ट एक्ट है इसमें, और एग्जैक्टली मेरे ज़हन में नहीं है, चोरी के हैं इसमें, तो वो इसमें आ सकते हैं जो 3 साल से 7 साल तक आते हैं, मेरे ख्याल उसके भी 7 साल तक, 420 की 7 साल, ठीक है, तो वो जो है वो सारे के सारे इसमें शामिल हो सकते हैं, माइनर मेजर रेफर किए जा सकते हैं। किस स्टेज के ऊपर, अब ये भी मामला है कि किस स्टेज के ऊपर, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग ट्रायल, कब भेजा जा सकता है कमेटी को, एट एनी स्टेज, ड्यूरिंग ट्रायल अगर कंप्लेनेंट एग्री कर देता है विद द कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट, अब कंप्लेनेंट भी चाहेगा यार मेरा इतना लंबा केस चल रहा है, मैं किलों के पैसे दे रहा हूँ कब से, तो मेरा मैटर जो है ना वो डायवर्जन के लिए भेज दें कमेटी को, मामला हल लो, ठीक है ना, तो विद द कंसेंट ऑफ द जो विक्टम है वो एट एनी टाइम जो है वो भेजा जा सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी भेज सकती है और ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट भी रेफर कर सकती है, समझ आ गई इस बात की, डायवर्जन किसी को समझ ना आया हो, अगर वो देखेंगे ये विद द कंसेंट ऑफ कंप्लेनेंट है, चाहे माइनर है, विद द कंसेंट ऑफ कंप्लेनेंट है, ठीक है, अब डिस्पोजल कैसे होगा केस का, वो डायवर्जन कैसे करेंगे, ठीक है, मैंने बताया कि डायवर्जन का ये मतलब नहीं है कि उसको केस से बरी कर दिया, डायवर्जन का मतलब है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को असेस करें और उसको जो सलाह बनती है वो दे दें, अब वो सलाह क्या हो सकती है, वो रिटर्न अपॉलॉजी भी हो सकती है, वो ओरल अपॉलॉजी भी हो सकती है, वो प्रोबेशन पे भेजना भी हो सकता है, वो रिहैबिलिटेशन में कुछ टाइम गुजारना भी हो सकता है, वो कम्युनिटी सर्विस भी हो सकती है, वो जो है कोई ऐसा काम हो सकता है जो कंपनसेशन भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, अगर नुकसान पूरा कर देता है तो वो कहता है जी मैं माफ करता हूँ, ठीक है, इतना सी बात थी, और उनका ट्रायल करने के बजाय इधर ही कमेटी में मामला खत्म कर दो, तो वो ये डिस्पोजल इस तरीके से होगा, वो प्रोबेशन पे भेज सकते हैं, वो रिटर्न या ओरल अपॉलॉजी हो सकती है, वो जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज सकते हैं, वो उसको कम्युनिटी सर्विस में एंगेज कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जो है जिस कमेटी जो है वो सजेस्ट करके तो इस केस को खत्म कर सकती है, ठीक है जी, उसके बाद है जी नहीं इसमें जाहिर है दोनों पार्टियां सामने बैठ गई हैं, कमेटी बैठ गई है, जैसे एडीआर हमारा काम कर रहा है ना, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उसके अंदर अगर आपका नुकसान पूरा कर दें तो ये केस खत्म है, आगे चले, इसको जुर्माना कर देते हैं आपका केस खत्म है जी, ठीक है, इसको जुर्माना कर दे, मैं ठीक हूँ, या आपसे माफी मांग ले तो मामला खत्म है जी, मांग ले मुझसे माफी, रिटर्न मुझसे मांग लें, चलिए रिटर्न माफी दे दें तो केस खत्म कर देते हैं, तो मकसद ये है कि उस बच्चे को लिटिगेशन में जो है वो फंसाने की बजाय उसको रिलीज करवा देना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी भी होगी, सेपरेट चलान एंड ट्रायल ऑफ द जुवेनाइल। अब मैंने जैसे बताया कि जुवेनाइल एक्सक्लूसिव जुवेनाइल कोर्ट्स को बनना था इस लॉ के तहत, लेकिन उन्होंने कहा कि सब एक ही हैं, लेकिन अगर एक्सक्लूसिव जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं तो जुवेनाइल या अभी कुछ जगहों पर जो प्रैक्टिस है चाइल्ड कोर्ट्स की, वहां पर बच्चों के केसेस जाते हैं, तो क्या को अक्यूज अगर अडल्ट हो तो दोनों का इकट्ठा ट्रायल होगा या अलग अलग होगा? पिछला जो लॉ था जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस, उसमें दोनों का ट्रायल इकट्ठे नहीं होता था, उन्होंने कहा था कि अलग अलग दोनों के चलान सबमिट होंगे और अलग अलग ही उनके ट्रायल होंगे। इस जो लॉ है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के अंदर, उन्होंने एक थोड़ी सी रिलैक्स प्रोविजन दी है कि अगर जुवेनाइल कोर्ट चाहे तो अडल्ट का ट्रायल जो है वो हो सकता है, समझे, दो अक्यूज है ना, एक अडल्ट है और एक जो है वो जुवेनाइल है, तो दोनों का ट्रायल जो है वो अगर जुवेनाइल कोर्ट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को मद्देनजर रखते हुए चाहे तो उनका ट्रायल इकट्ठा हो सकता है, लेकिन बच्चा जो है वो अडल्ट की कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, बच्चे का जुवेनाइल कोर्ट के अंदर ही होगा ट्रायल, लेकिन जो जुवेनाइल कोर्ट है वो को अक्यूज अगर अडल्ट है तो उसका ट्रायल जो है वो कर सकती है।
यानी उधर बच्चे को बुलाया जाएगा या उधर बच्चे को यहाँ बुलाया, हाँ तो बजाय इसके कि बच्चा उधर जाए, बच्चे ने तो जाना नहीं, आपने जाना बहुत जाना है, अडल्ट इधर आ जाएगा ना, छोटे बच्चे का इससे क्या फायदा हो? देखें वो तो अगर अगर उधर कोर्ट उसको समन करती है किसी मामले के लिए तो बच्चा उधर जाएगा ना, फिर बच्चे ने तो जाने नहीं, आपने कहा ओहो जिस तरह बच्चे ने उधर नहीं जाना उस तरह से फिर उसका केस भी तो कंक्लूड करना है ना, अगर वो इम्पोर्टेंट उसका कोई रोल है या उधर वहां पर उसने को उसकी पेशी होनी है तो वो अडल्ट यहाँ पर आएगा, लेकिन ये भी साथ शर्त रखेगी जब अडल्ट आएगा तो वो थ्रू ये जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो भी यूज किया जा सकता है, या उस दिन उसकी बच्चे की जो है वो हाजिरी को डिस्पेंस किया जा सकता है जिस दिन अडल्ट ने आना है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोटोकॉल है जो विनायल कोर्ट के वो मतलब रखकर वो उसका ट्रायल कर सकती है अडल्ट का, ठीक है, लेकिन बच्चा उधर जाकर अडल्ट अगर वो कहते हैं कि इनका हम जो है वो सेपरेट चलान नहीं करते इकट्ठा इनको रन करते हैं तो बच्चा वहां पर नहीं जाएगा, वो जो है अडल्ट जो है आसान करने के लिए बच्चे का इंटरेस्ट नहीं, जुडिशियल सिस्टम आसान हो जाएगा वो वहां से आ रहा है। बिल्कुल ना सर, आपकी नजर से तो शायद गुजरा हो, ये जुवेनाइल कितने परसेंट होते हैं आउट ऑफ क्रिमिनल्स वगैरह अगर आप एक साल के अंदर अगर होते हैं? हर वक्त सर, हर वक्त हमारे लाहौर की जेल में 50-60 जुवेनाइल्स होते हैं। आई एम ट्राइंग टू गेस कि कितनी कोर्ट्स की जरूरत होगी और कितनी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो जरूरी है, कि ये सिर्फ एक इंतजामी इशू है जिसको शायद क्यों पता नहीं क्यों लिंगर ऑन किया जा रहा है कि किसी एक कोर्ट को डेडिकेट कर दिया जाए एज अ एक्सक्लूसिव जुवेनाइल कोर्ट, तो उसे जैसे हमारे यहाँ जो है जेंडर की जो बिल्कुल कोर्ट्स की प्रैक्टिस में आ चुका है, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलहदा से स्पेशलाइज कोर्ट्स मौजूद हैं, इसी तरह से जुवेनाइल कोर्ट्स को भी इंतजामी तौर पर सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसे कि बताया कि उन्होंने केपी के अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्सक्लूसिव चाइल्ड कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश किए हैं, तो उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन को वो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट भी है, वो चाइल्ड कोर्ट भी है, वो जुवेनाइल कोर्ट भी है, लेकिन बच्चों के ही मामला वहां पर किए जाते हैं। सबसे पहली कोर्ट जो एस्टेब्लिश हुई थी 2018 के अंदर वो मंसूर अली शाह साहब ने लाहौर में एस्टेब्लिश की थी, तो मकसद यही था कि इसको प्रमोट किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अब पार्ट टाइम रह गई है, हर टाइम आई थिंक वो चाइल्ड कोर्ट होती है और बाकी टाइम वो बिलें सुन रही होती है, तो वो ये प्रैक्टिस के इश्यूज हैं। अच्छा, उसके बाद है इम्पोजिशन पेनल्टी फॉर डिस्क्लोजर, बच्चे की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा विदाउट परमिशन ऑफ द गार्डियन पेरेंट्स और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोर्ट की परमिशन के बगैर कोई भी बच्चे की तस्वीर या बच्चे का जो वेयर अबाउट्स है वो अखबार में टीवी पे मीडिया पे पब्लिश नहीं करेगा विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट या विद द ड्यू परमिशन ऑफ द पेरेंट्स या उनके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्रैक्टिस ही नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि सीसीपीयू का जो ऑफिशियल पेज और हैंडलर है ट्विटर का वो पब्लिश कर रहा होता था, बच्चों को पकड़ते थे और उसकी तस्वीरें लगा रहे होते थे, हमने उनको लिखा तो अब उन्होंने क्या किया उसको ब्लर करना शुरू कर दिया है, मोस्टली अब पुलिस वाले उसको बच्चा अगर हो तो उसको पब्लिश नहीं करते, लेकिन अभी भी जो नाम ब्लॉगर्स हैं और ये यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं छोटे बच्चे गिरफ्तार होते हैं तो उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर, सिर्फ एक केस है जिसके अंदर उन्होंने कोर्ट ने वो अगरचे जुवेनाइल का तो नहीं है लेकिन वो भी रेप का जो केस हमारे हुआ था मोटरवे के ऊपर, किसी को नहीं पता कि उस खातून का नाम क्या था, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उसके बच्चे कितने थे, उसका हस्बैंड का क्या नाम था, किसी ने कोई तस्वीरें नहीं देखी, ठीक है, एक वाहद केस है जिसके अंदर पुलिस ने इंश्योर किया, इट मीन्स कि अगर इंश्योर करना चाहे हमारी अथॉरिटीज तो इंश्योर की जाती है, तो बच्चे को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा किसी भी फोरम के ऊपर। वो ऑब्वियसली लेकिन इंश्योर तो फिर भी उसने किया ना, पुलिस ने किया, अगर वो लीक कर देते कि तस्वीरें तो क्या मसला तो नहीं था किसी मीडिया में, लेकिन किसी मीडिया में आपने नहीं देखी उनकी तस्वीर खातून की या उसके बच्चों की या उसके हस्बैंड की जैसे आमतौर पर प्रैक्टिस है, या उसका नाम जो है वो किसी को नहीं पता चला उस केस के अंदर और वो कनेक्शन भी हो गई, तो ये जुवेनाइल्स के साथ भी मैटर है, जहाँ पे भी आप देखें तो ये वायलेशन है लॉ की, इसके अंदर सजा भी सजेस्ट की गई है 3 साल तक की सजा है कि अगर वो रिवील करता है कोई इसकी जुवेनाइल की इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, उसके बाद है जी जी, अगर आप पीएस में है पुलिस स्टेशन में है और जुवेनाइल के मीडिया वाले आ जाते हैं वो उनकी स्टोरी सबके सामने डिस्क्लोज करना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाए तो किस तरह रोका जाए? बिल्कुल, आप उनको वार्न करने की जो वायलेशन है और हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं आते उनके खिलाफ बिल्कुल कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। जो अभी रिसेंटली केस हुआ था वो डिफेंस
बिल्कुल गलत है। बच्चे का जो है वो किसी भी तौर पे जो जुवेनाइल है जो किसी भी ऑफेंस के अंदर है उसको 3 इयर्स तक पनिशमेंट है, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अंडर जुवेनाइल सिस्टम एक्ट आप पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं, दरखास्त दे देंगे, इसके इस लॉ के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। 3 साल तक सजा है, अप टू 3 इयर्स, ठीक है, वायलेशन इस लॉ की है ना, बिल्कुल FIR होगी। और फिर है जी इम्पोजिशन ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर फीमेल जुवेनाइल्स। फीमेल जुवेनाइल्स जब होंगी, खातून किसी मामले में आएंगी तो उसका उसको जो इन्वेस्टिगेट करेगी वो फीमेल ऑफिसर होगी, प्रोबेशन ऑफिसर फीमेल होगा, जहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा वो फीमेल प्लेस होगी, जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा होम होगा वो फीमेल प्लेस होगी, ठीक है। तो फीमेल्स को डील करने के लिए तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं और फीमेल्स के मुताबिक ही किए जाएंगे। फिर है जी रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैच विद द कन्विक्शन। आपका शायद सवाल था किसने किया था कि ये बच्चों को जो पकड़ के ला रहे हैं उनका कैरियर तबाह हो रहा है। जुवेनाइल सिस्टम एक्ट कहता है कि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी जुर्म के अंदर सजा हो जाए तो उसको कन्विक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा, ही विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी जॉब एनी पोर्टफोलियो, ठीक है। हाँ, उसकी CRO हो जो मर्जी हो, लेकिन अगर एज अ जुवेनाइल उसका वो हुआ था तो उसको जो है वो नहीं किया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। मकसद यही होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ जॉब के लिए, इलेक्शन के लिए, फ्लांस के लिए, किसी भी मैटर के लिए उसको डिस्क्वालिफिकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा अंडर द जुवेनाइल सिस्टम एक्ट, बीइंग ए जुवेनाइल अगर कन्विक्शन हुई है तो, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर वो रिमांड लाने से पहले अपन उनके फिंगरप्रिंट लगवाते हैं, तो हम लोग देखने लगाए थे कि इसका फिंगरप्रिंट लगवाएंगे क्योंकि इसका वो CR उनकी जो वेबसाइट है वहां चढ़ जाता है, कहीं भी वो शनाख्ती कार्ड या उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन वो नहीं लगवाए। नहीं, वो तो लगवाएंगे, वो तो उनका है। अभी ये बात बड़ी रूल्स में भी डिस्कस हो रही है कि उसका क्या करें, या तो उसको वो कर दें कि वो पब्लिकली अवेलेबल ना हो, और या वो ये है कि लगवाएं ही ना उसको जी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, इस पर उनकी बड़ी डिबेट चल रही है, लेकिन इसकी बेस के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। आपको चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और आप इवन कन्विक्टेड भी हैं तो आपको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता जॉब के लिए, आपको किसी पब्लिक पोर्टफोलियो के लिए या किसी और सिलेक्शन के लिए कि आपको जो है कन्विक्शन हुई है। बीइंग अ जुवेनाइल जो कन्विक्शन है वो डिस्क्वालिफिकेशन का बायस नहीं बनेगी। कई दारों का होता है कि आपका जो है वो कन्विक्शन है तो हम आपको नहीं रखेंगे, होता है ना वो कंडीशन। हाँ, लेकिन यहाँ पर उसको डिटैच किया गया है इस चीज से, ठीक है। और फिर नो प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये जो इंसदादी नज़रबंदी होती है MPOs के लॉज के तहत, वहाँ वो बच्चे को जुवेनाइल को जो है वो उसमें नहीं रखा जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। ना कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, सजाए मौत नहीं दी जाएगी, और उम्र कैद जो है वो नहीं दी जाएगी, हैंडकफ नहीं किया जाएगा, चेन नहीं किया जाएगा, बच्चे को फैटर्स के अंदर नहीं रखा जाएगा। तो ये जुवेनाइल सिस्टम एक्ट है। 82 कहता है कि 10 साल की उम्र तक जो भी बच्चा जुर्म करता है वो जुर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेक्शन 83 के अंदर है अप टू 14 इयर्स, ठीक है, 14 साल तक के बच्चा जो है वो मेंसरिया असेस करेगी कोर्ट। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो असेस करे कि आया इसके ऊपर ये लाइबिलिटी पुट की जा सकती है या नहीं की जा सकती, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। तो रह कितने, 2 साल है, 15-16 18 साल है, 4 साल है, हाँ जी 18 साल वाले, हाँ जी। लेकिन आपके पास तो केसेज आएंगे 10 साल की उम्र के बाद से 18 साल तक। अब ये भी मैटर जाके कोर्ट्स में हमें एजिटेट करना पड़ता है ना कि इसकी उम्र 13 साल है, 12 साल है, 11 साल है, मोस्टली ड्राइविंग के इश्यूज के अंदर हमें ये चीज़ करनी पड़ती है। तो वो फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असेस करना किसका काम है, कोर्ट का काम है, ठीक है। कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है और ट्रायल जो है वो जारी रख सकता है। सिर्फ आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं, इसको जरा दोबारा पढ़ लें, फिर उसके बाद एक्टिविटी करते हैं। सॉरी 164 की क्या, उसमें सर जी 164 उसने बयान दे दिया, यस सर।
तो उस स्टेटमेंट के लिए पुलिस वाले उसको लेके आए, चलो जी आप अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो 164 की। तो क्या वहाँ पे कह सकते हैं कि जुवेनाइल कोर्ट्स में डिपेंड करता है। वैसे तो मैं बताया ना कि पंजाब के अंदर तो तमाम मजिस्ट्रेट्स, तमाम जो सेशन कोर्ट्स और तमाम क्रिमिनल कोर्ट्स जो है ना, ATC समेत और FIA की स्पेशल कोर्ट समेत, वो जुवेनाइल कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं जुवेनाइल्स। ये उन्होंने बड़ा अजीब काम किया हुआ है, सिंध के अंदर उन्होंने कुछ किया कि मखसूस डेडिकेटेड मजिस्ट्रेट्स हैं उनको राइट्स नहीं है, जो एज अ जुवेनाइल कोर्ट और सेशन कोर्ट्स को नहीं है, स्पेशलाइज कोर्ट्स हैं। हाँ जी, तो इन्होंने अभी तक जनरल किया हुआ है, ये शायद रूल्स के बाद चेंज कर दें और स्पेशलाइज कोर्ट्स जो हैं वो बन जाए, फिर वहीं पर जाएगा मैटर, फिर वो जो है ना वो स्पेशल, जैसे अब हमारे अंडर एंटी रेप एक्ट है 2021 का, उसके तहत तमाम मामला जो है वो स्पेशल कोर्ट को जाते हैं, ठीक है, वो स्पेशल जजेस जो अपॉइंट किए गए हैं इस पर्पस के लिए वो मैटर उनको जाते हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर भी जो जुवेनाइल कोर्ट्स हैं उनके पास मैटर्स जाएं, एक्सक्लूसिव जुवेनाइल कोर्ट्स, जहां पे सिर्फ जुवेनाइल्स के मैटर हों, ठीक है, ये हमारा जो है ना वो पर्पस है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये प्रैक्टिस के जो इशू है ना बेसिकली, ये तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे इम्प्रूव होंगे, आप यकीन कीजिए कि कितने 20 साल के अंदर हमने काफी तरक्की की है, हम वो लोग थे जो इन इश्यूज को इश्यूज ही नहीं समझते होते थे, ठीक है ना, अब तो बहुत बेहतरी आ गई है, तो जो बच्चों के हवाले से, खवातीन के हवाले से बहुत से लॉज जो डेवलप हुए हैं पिछले 20 साल के अंदर। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, डॉक्टर शेर अख्तर नियाज़ी थे सर, UN के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कहते हैं कि ये चाइल्ड अब्यूज हमारा इशू ही नहीं है, ये तो यूरोप और अमेरिका का इशू है, 97 की बात है शायद, तो 2000 के अंदर 100 बच्चा उसने अब्यूज करके डाइल्यूट कर दिया और फिर खुद कन्फेस किया, हमें किसी को पता भी नहीं चला, तो बाद में पता चला ये तो बहुत इशू है चाइल्ड अब्यूज का। फिर कसूर के इंसिडेंट के बाद हमने अपना क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया है, हमने 377A और B डाला है, उससे पहले हमारे पास जैनब अलर्ट का लॉ तो अभी 2019 में ड्राफ्ट किया ना, वो भी मैंने किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के जरिए, कि अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो डिवेलप हुई हैं विद द पैसेज ऑफ एंटी रेप एक्ट जो है वो अभी पास हुआ है 2021 में, पहले ऑर्डिनेंस था फिर वो डिवेलप हुआ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली जो है वो चेंज आ रही है। चीजों को हम जो है वो की बात को आगे ले जाते हुए, देखो आपको मकसद बताने का, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, बट वट द मोमेंट यू विल यूज दिस एंड चैलेंज इट, अगर तो आपको आगाह नहीं हो बताने का ये तो क्या, तब होता है, तब हाईकोर्ट में जाती है, तब बीच में ऊपर से जजमेंट आती है, तो योर रोल एक्चुअली बताने का भी ये है कि यू आर गेटिंग द वेपन्स यूजिंग विच आप अपने क्लाइंट को भी कर सकते हो, और अगर नहीं भी होता तो उसकी अपील के लिए मवाद हो रहे हैं, दिस इज हाउ द लॉ एक्चुअली चेंजेस। इट इज ईजी फॉर अस टू से इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, कोर्ट ही नहीं बने हुए, ये नहीं हुआ, बट देयर आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। कोर्ट ने जब आपको दे दिया कि होगी तो फिर रेट करें और लेके जाए, पुश करें, प्रेशराइज करें, सामान वाले डॉक्यूमेंट करवाएं, जो वायलेशन है उसको डॉक्यूमेंट करवाएं, वो आपके बेनिफिट में जाएगा। आपका काम ही ये, दैट इज व्हाई यू आर बिकमिंग अ लॉयर, कि इस कागज पे लिखी हुई चीज को दांत देना और मसल देना आपका काम है, और वो आप करोगे तो आपकी वजह से ये चीज होगा। मैंने बताया CPC की अमेंडमेंट मैंने स्ट्राइक डाउन करवाई है, आप किसी चीज को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, एनवायरमेंट कोर्ट एनवायरमेंट का बंदा वहां पर नहीं पॉइंट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, उन्होंने एक महीना खान में ट्रिब्यूनल करना था, रिट जमा करवाई, टुक मी ये 1.5 साल, लेकिन गवर्नमेंट को अपॉइंट करना पड़ा, ये कागज आपने इनके साथ खेलना है, इसलिए दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि ये नहीं होता तो छाटो, यू विल असर्ट इट एंड मे बी इट विल वर्क। अच्छा मुझे ये जरा बताइए कि अगर आपने कहा कि SI से नीचे वाले लेवल पे की और एट एन एडवांस स्टेज पता चलता है तो वो सारे चलान भी उड़ जाए? ऑब्वियसली उनको रीइन्वेस्टिगेशन का करनी पड़ेगी अगर वो उसमें फॉल्टी है, लेकिन ये चीजें ऑब्जर्व हो जाती हैं पहले ही जब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास आते हैं, तो वो चीजें इन सारों को करेक्ट कर लेते हैं। जी सर, जैसे सर टीम साहब भी बात कर रहे थे, वॉल्यूशन इस एक्ट की होती है, हम देखते हैं
क्या ये रूट आउटलाइन कर सकते हैं कि लेट्स मेरा पहला तो फोर्म होगा मैजिस्ट्रेट, जब रिमांड होगा मैं तब कहूँगा कि ये एसआई का, ये एसआई से नीचे के रैंक का बंदा है तो इसको पुलिसिंग में रखा गया। मैजिस्ट्रेट कहता है कि नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है लॉ, आई डोंट बिलीव इन इट, नहीं आपको रिमांड नहीं दे देता है या आपकी बात नहीं सुनता, आपने रिटन कॉन्फर्मेशन की तो फिर क्या आप रिविजन में जाएंगे या लाइक व्हाट क्या रूट होगा हमारा? मैं अच्छा हाँ बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें अगर तो आपके पास फॉरम मौजूद है तो आप ऊपर वाला फॉरम ऑब्वियसली यूज़ करेंगे। मैं यही बता रहा था कि कुछ अल्टरनेट रेमेडीज़ भी मौजूद हैं जिनको हम नो कर सकते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो इन्हीं वायलेशंस को देखता है, जो ह्यूमन राइट्स बेस्ड वायलेशन है, जो ऐसे लॉज जो स्पेशल लॉज हैं उनकी वायलेशंस को देखते हैं और उनके पास भी जुडिशियल इख्तियारात मौजूद हैं, वो आप वो रिकॉर्ड भी तलब कर सकते हैं, वो पनिशमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स उनके कायदा प्रोसीडिंग्स बिल्कुल कोर्ट की तरह की हैं, इन सारी वायलेशंस को वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट करवाया जा सकता है, वहीं पे भी जो है वो एजिटेट किया जा सकता है और उनके पास ये भी इख्तियार है कि वो फॉर्मल प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टी भी बन सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एक्ट है 2011 का, उसके तहत जो है वो ये कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश होता है, पंजाब के अंदर बड़ा एक्टिव है। फिर इसी तरह नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स है जो बाद में बना 2017 में और अंडर द लॉ है, आई थिंक इस बुक के अंदर मौजूद होगा। तो इन जो अल्टरनेट रेमेडीज हैं उनको भी आप अवेल कर सकते हैं जो इस किस्म की वायलेशंस को ऑब्जर्व कर रही होती हैं, अदरवाइज जो रिपिटिशन तो हमारे पास मौजूद ही होती है, हर वक्त हम जो है वो किसी भी ऐसे इशू के ऊपर फाइल कर सकते हैं। सर जी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर सर विक्टिम हो वो माइनर हो और ऑफेंडर हो वो मेजर हो तो सर फिर भी सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा इन्वेस्टिगेशन करेगा? सॉरी विक्टिम जो है वो माइनर है सर, लड़की मतलब 15-16 साल की, जो फेडर है वो मेजर है 22 साल का। अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑफेंस के ऊपर, अगर तो वो रेप के या अब्यूज का, सर अबडक्शन का है ऑफेंस 365, ये एंटी रेप के अंदर जो है वो स्पेशल लॉ के अंदर जो है वो ट्रीट होगा। अगर आप देखें एंटी रेप एक्ट तो उसके अंदर ये सेक्शन मौजूद है जिसको के उसका जो रैंक है वो ऐसे तो से कम नहीं होगा। एंटी रेप एक्ट अगर आप पढ़े ना 2021 का तो उसके अंदर आप तो उसके रूल्स भी पास हो गए हैं, उसके अंदर एसएचओ है अगर 365 है, लेकिन अगर सेक्सुअल अब्यूज हो जाता है तो फिर वो स्पेशल शेड्यूल 2 में चला जाता है और उसके अंदर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जेआईटी है। सर मैंने लास्ट ईयर वो हुआ था इस तरह का ट्रायल तो उसमें एएसआई ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ट्रायल इस वजह से गलत किया ना उसने। पिछले साल अब ये भी देखना पड़ेगा ना कि वो लॉ मौजूद था कि नहीं मौजूद था, क्योंकि वो लॉ भी बड़ा उसके साथ मसला रहा है, वो 2-3 दफ़ा एज अ ऑर्डिनेंस पास हुआ, फिर बीच में एक टेन्यूर आया, कुछ भी कोई लॉ भी नहीं था, फिर वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया ज्वाइंट सेशन के अंदर और फिर वो लॉ बना है। तो वो डिपेंड करता है अब एफआईआर कब हुई थी और उसको क्या रजीम थी। अच्छा नक्शे अमन में आइडियली तो उनको नहीं रखना चाहिए, अगर उन्होंने ऑब्वियसली बगैर किसी कानूनी रीजन के तो नहीं वो रख सकते ना। सूलन तो नहीं रखना चाहिए उनको, नहीं रखना चाहिए, आप जाके लें वहाँ से हैबियस फाइल करें और बैलेट लेकर जाएं उसको रिकवर करवाएं। हमने खुद करवाए, कई डिफेंस से बच्चे पकड़वाए और उसके बाद उनकी लकीरें निकलवा दी हैं। ये तो डिपेंड, सुबह कोर्ट खुलने से पहले हम पहुंचते हैं जाकर सेशन जज से बैलेट लेते हैं और जाकर मौके पे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद आप देखिएगा उसका रिजल्ट ठीक है ना। ये तो वो फिर बाद में प्रूव करता रहेगा कि मैं अभी पकड़ के लाया था या बाद में लाया था, लेकिन ये आपके पास जो सबसे क्विक टूल है वो तो आप एबीएस हैं। सर इसके लिए कोई जजमेंट है जो इम्पोर्टेंट जुवेनाइल के ऊपर? 3 जजमेंट्स अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है एक सुप्रीम कोर्ट में, अभी मंसूर अली शाह साहब ने दिया, मेरे जहन में नहीं है लेकिन मैं वो व्हाट्सएप कर देता हूँ सर को, फिर वो भेज देते हैं ठीक है। एक दो लाहौर हाई कोर्ट की हैं, एक पेशावर हाई कोर्ट की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जुवेनाइलिटी से मुतल्लिक है, एक बेल से मुतल्लिक है और अभी जो मंसूर अली शाह साहब ने दी है वो अभी बेल से मुतल्लिक है कि अगर
इस सवाल का जवाब आपको अभी आधा घंटा पहले बताया है ना, तो कोई आप अपना मोबाइल खड़काओ और बाकी सारों को बता दो, जुवेनाइल का वर्ड उसके अंदर लिखो, अभी जो आपके पास अभी इनको हमने पीएलजे लॉ साइड का आपके आने से पहले इनसे एक्सरसाइज करवाई है, बिल्कुल उसमें आप करवाई है, अभी रिसेंटली इनकी जजमेंट है पिछले साल की ना, अभी भी आप सारे के सारे जो दोस्त हो ना इस नुक्ते को क्रॉस ओवर नहीं कर रहे कि आपको हम बम और मवाद दे रहे हैं, ये जो सवाल है उसका जवाब निकाल के दें, रिसर्च आप खुद कर सकते हैं, आपकी फिंगर टिप्स पे है अभी बताया, ये जो सारी की सारी आपको गुर बताएं अच्छी बात है, यहाँ से खासतौर पर ये दो दोस्त लगता है ऑलरेडी मुकदमे वगैरह बेशुमार करते रहे, इनके जो सवाल है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही है, बट आपको बताया है आप जो पूछ रहे हो एबीएस पे आप करवा सकते हो, यू विल बी द स्टार ऑफ उस दैट पर्टिकुलर गली के जी बच्चे ने छुड़वा के आया थे, वो हमारे घर आके वो माफी मांग रहा है बीच में ऐसे जो कि गलती हो गई प्लीज वापस करवा लो ये कर लो, बट वो इसलिए करोगे क्योंकि आपको पता है इन प्रोविजन के बारे में, नहीं पता तो तुम कहोगे कि यार बड़ा जुल्म हो रहा है ना सही है इस तरह की करो सिस्टम ही टूटे हुए, जो हमने अभी पढ़ा है कि उसके किसी तरह की इन्फॉर्मेशन या कोई हम पब्लिक नहीं करेंगे, ये सिर्फ उस टाइम तक है जब तक कि वो अंडर 18 है, कल को जब बड़ा हो जाता है उसके कहीं 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 और जरूरत पड़ती है तब भी उस मटीरियल का यूज कर सकते हैं। जुवेनाइल वो शख्स है जो एट द टाइम ऑफ ऑफेंस जो है ना वो 18 साल से कम उम्र था, ये तमाम प्रोविजन उसके मुतालिक है चाहे वो 40 साल का हो जाए, ठीक है ना, बीइंग अ जुवेनाइल जो भी उसके साथ गुजरी है वो सारे के सारे उसके ऊपर रूल्स ये वाले अप्लाई होंगे, हाँ कॉन्फिडेंशियल सर, ऐसे है कि जब उसने कमीशन ऑफ ऑफेंस किया ना जब तो वो जुवेनाइल था, जब कन्विक्शन होने लगी तो वो 18 साल मेजर हो गया, अब उसकी उम्र होगी 30 साल, अब वो कह रहे हैं कि इसको 16 साल के साथ बच्चों के साथ रखेंगे तो यह मुनासिब नहीं है तो उसको वो भेज रहे थे, वो बिल्कुल सेपरेट चीज है, देखें एज अ जुवेनाइल अगर वो जाता है ना तो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाएगा या उसमें जाएगा, 18 साल के बाद तो उसके ऊपर प्रिजन रूल्स के मुताबिक जो भी प्लेस बनती है वहां पे जाएगा वो, सदा इसके लिहाज से मिलेगी, हाँ बिल्कुल वहाँ पे भी जो है ना वो तकसीम की होती है, एक मुंडा खाना होता है 16 साल की उम्र तक, एक 16 साल से 18 साल तक की उम्र बड़े बच्चों का होता है, ठीक है वहाँ पे भी उन्होंने सेग्रीगेशन की होती है, फिर मजीद सेग्रीगेशन भी की होती है, ये बकायदा वहाँ पे जेल मैनुअल्स के अंदर मौजूद है ये प्रोविजन, हाँ सर ये इनका इन्होंने जो पूछा था ना कि वो रिमांड लेने आया और उसने ये वायलेशन किया, तो रिमांड एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है तो इसलिए उसके खिलाफ से रिट हो सकती है, अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है, मैं ये ऐड, हाँ ऑब्वियसली इसके दूसरा ये जैसे इन्होंने भी बात की कि एएसआई ने वो तफ्तीश की सब इंस्पेक्टर ने करना, आपने कहा ये ऑब्जर्व हो जाता है इनिशियल स्टेज में भी लेकिन नहीं होता, जैसे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो कादियानी वाली, उसमें उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया था एसपी ने करनी थी लेकिन की है सब इंस्पेक्टर ने, तो रिलीफ मिल गया ना, रिलीफ मिल गया ना, बेल होगी ना, बेल हाँ जिस पर ये आजकल बिल्कुल देखिए 40 जो होगी ना उसके ऊपर तो आपको रिलीफ मिलेगा ना अगर आप उस साइड से हैं, ऑब्जर्व भी नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का वहां जाकर देने के लिए, लेकिन डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस और उसके इफेक्ट्स के ऊपर है, ठीक है ना, चले एक्टिविटी करें जी सर, 6 माह के अंदर सर, विद इन 6 मंथ, हाँ जी पूरा ट्रायल करना जी बिल्कुल, अच्छा जी आपस में गपशप वाला माहौल हो जाए जरा, जंगी जरा देखो कोई किसी के नोट्स तो नहीं खुले या बुक तो नहीं खुली हुई, पैसे दे के खरीद लेना, 300 रुपया दो, 300 रुपए 300 रुपया नहीं 1 month के लिए सुप्रीम कोर्ट की, और ये देखो ये जो सारी एक्सरसाइज है ना वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, मंसूर अली शाह साहब की 23 सुप्रीम कोर्ट की 348 है ये 349 ये और आ गई है यहाँ पे, या अफरीदी मजार साहब मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं तो कंट्रोल एफ मंसूर ये आ गई जजमेंट पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट 233 जो भाई जिसका जिक्र कर रहे थे, ये बेल से मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट है आप इसको देख लीजिएगा, सो दिस इज हाउ यू डू द एक्सरसाइज, अभी बताया अभी हुआ आपके सामने नुक्ता आके जजमेंट मिल गई, जजमेंट देखनी है तो वहां से भी आप कॉपी देख सकते हैं, तो ये पीएलजे लॉ साइड का ये फायदा है सर, आगे आ जाएंगे
वो बेचारे खर्चे हम चलाएंगे कहाँ से, कि 300 रुपए कम है, 7,000 रुपए आपको वहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1,000 से कम के दर अगर क्यों बंद होना चाहिए, सबसे अच्छा काम ही वो कर रहे हैं, हमारा पीएलजे तो बिल है, तो हमें करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, गवर्नमेंट को हमारे को करना, क्यों किताब लिखना मना है, सर मैं कोई केस तैयार कर रहा हूँ, मुझे जजमेंट की जरूरत पड़ी, मेरे पास पासवर्ड ही नहीं है, तो एक्सेस ही नहीं। तुम किस किस्म के वकील हो जो किस पे पैसे खर्च नहीं कर सकता या लाइब्रेरी जाके इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाइब्रेरी में जाओ किताबें इस्तेमाल करो, ये जरूरी है, तुम्हारा कहाँ से हक आ गया, उसने पैसे लगा के अगर बनाया इट्स इज राइट, आपके लिए हमने सस्ती पीएलजे में बना के दे दी है, मैं एक लेवल पे तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि प्राइवेट बंदों पर करो ये इदारा ही बंद कर दो, पीएलजे वाले जो है हमें क्या जरूरत है, किताबें छापते रहे, कागज लगाते रहे, लाखों करोड़ों रुपए इसमें लगाते रहे, सो स्टफ लाइक दैट। आगे वाला यार भाई एक आ जाओ इसके ऊपर नुक्ते के ऊपर। अच्छा जी अब छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है, ठीक है, मैं क्वेश्चन करूंगा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट से, ठीक है, आपने आंसर करना है, आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन नोट्स नहीं देखने हैं, प्लीज नोट्स को अंदर कहीं छुपा दें, बंद कर दें, ठीक है, आपस में डिस्कस करके मशवरा करके 10 सेकंड में जवाब दे सकते हैं, अगर आपने जवाब ना दिया मैं फर्स्ट क्वेश्चन इधर से करूंगा तो फिर वो बोनस इनके पास चला जाएगा, अगर इन्होंने जवाब दे ना दिया तो बोनस उनके पास चला जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपने जवाब देना है 10 सेकंड के अंदर, अगर नहीं दिया तो बोनस उनके पास चला जाएगा, अगर उन्होंने दिया तो बोनस आपके पास आ जाएगा, अगर गलत जवाब दिया तो क्या सजा, जीरो जीरो, ठीक है, नंबर नंबर कट, एक एक नंबर कटेगा, यहाँ पे आपको नहीं तो बहुत सजाएं मिल जाएंगे जो तुक्के मारेंगे कि नहीं गलत, फर्स्ट जो भी आंसर होगा आपके ग्रुप में से कोई भी बोल पड़ा पहले डिसाइड कर लेंगे किसने बोलना है, जरा आप इसलिए कह रहा हूँ आगे आ जाएं इकट्ठे हो जाएं, जिसने भी बोलना है जो भी पहली आवाज आएगी वो सही है गलत तसव्वुर होगा आपका जवाब आपके ग्रुप का, ठीक है, आप उसे मशवरा करके जवाब दे लें, खड़े हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है, मशवरा करना आसान हो जाए, ठीक है, ये थोड़ा सा ये हम जजिस के साथ भी इस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं, पुलिस वालों के साथ, आईओएस के साथ, और बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है, ठीक है, अब आपने ये एक फन लर्निंग का तरीका है ताकि आपके दिमाग में ये रहे ये चीज जो हमने आज पढ़ी है, ठीक है जी, आपने मैडम अकेले बैठना है या आप आगे आ जाएं या पीछे चली जाएं, ठीक है, आपस में आप मशवरा कर सकते हैं लेकिन कोई जो है वो नोट्स को नहीं देखेगा, अगर हमने देख लिया नोट्स देख रहे हैं तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, चले जी फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे ग्रुप 1 से, आप सुनना है, ठीक है, मैं दो दफा बोलूंगा क्वेश्चन, आप लोगों ने सुनना है, ठीक है, और जो अगर किसी और की बारी पे कहीं और से सही जवाब आ जाता है तो पॉइंट उन्हीं को मिलेगा, ठीक है, अच्छा जी ग्रुप 1 है, हाँ जी ग्रुप 1 है जी, व्हाट डज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड मीन, बच्चे के बेहतरीन मुफाद से क्या मुराद है इस लॉ के अंदर, एनी डिसीजन बेस्ड जो पॉइंट है वो क्या है, डिसीजन है, कोई भी अगर आप फैसला करते हैं तो उसकी जो रीजनिंग है वो सारी की सारी होनी चाहिए, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, दूसरा सवाल आपसे है जी, द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट वाज पास्ड इन विच मंथ ऑफ 2018, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर 2018 से पहले का ट्रायल है तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस है और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है वो 2018 के बाद है, अच्छा जी आपका जी, हाउ द टर्म डायवर्जन इज डिफाइंड इन जेडीएसए 2018, डायवर्जन क्या चीज है 2018 के अंदर, अल्टरनेटिव तो इसका बताए ना जो आप बच्चे की सलाह के लिए बार बार मैंने बोला था जी आपका बोनस उधर जाएगा, हाँ जी सुने जी सुने सुने आप क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमिन करने का नाम अल्टरनेट वे जो है वो डायवर्जन कहलाता है, वो तो मतलब है ही है, इनका बोनस मिल गया जी ग्रुप 1 है और इनका जीरो हो गया, ठीक है सेकंड राउंड है, अल्टरनेटिव वे है ना ये डायवर्जन टर्म्स यहाँ पे जो डिफाइन की गई है वो ये है कि अल्टरनेटिव वे टू डिटरमाइन द
लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, वो कमेटी वाला जो है, ठीक है। दूसरा राउंड है जी, आपका क्वेश्चन है आपके ग्रुप का, व्हाट डज जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन मींस, एनी एग्जांपल व्हिच दीज सेंटर्स कैन बी। जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर होता क्या है और क्या क्या इसकी मिसालें हो सकती हैं? अच्छा, ये इसकी मिसाल तो होगी, होता क्या है? किन को? बिल्कुल, अल्टरनेट है किसका? जेल का, आफ्टर द कन्विक्शन। और ठीक है, मान लेते हैं जैसा, ठीक है। अच्छा जी, आपका सवाल है, हाउ दिस लॉ डिफाइंस माइनर मेजर एंड हीनियस ऑफेंसेस। माइनर मेजर और हीनियस ऑफेंसेस कौन कौन को कैसे डिफाइन किया गया है? कोई रिपीट ना करो, ये तुम तीनों कार्ड का दबा देते हो, नीचे से बोल रहे हैं, आपस में मैडम दे। हाँ जी मैडम, वो हमारी बी में नहीं है, वो यार अब कर लेने दोनों यार। जी मैडम एक मिनट, आपके आपके ग्रुप से कोई और भी बोल लेना। ये हीनियस है, ये मेजर है। जी मैडम, क्या है माइनर? ठीक हो गया जी, अच्छा जी। अभी तो तुम निकाल रहे हो अपनी टीम। आपके क्वेश्चन है जी, थोड़ी सी गलती, तीन से सात साल तक जो है, अब टू थ्री ईयर माइनर में, ठीक है, थ्री से अबव और सेवन ईयर तक मेजर में है। अच्छा जी, हु इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एज डिटर्मिनेशन ऑफ अ जुवेनाइल? जुवेनाइल की एज को असेस करना, जुवेनाइलिटी को असेस करना, उनका किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन है जी? पुलिस है, ठीक है। अब ये कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं रही, पहले कोर्ट में एप्लीकेशन देते थे, अब पुलिस ने जैसे ही गिरफ्तार करना है उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे, या बच्चा क्लेम करता है कि मैं जुवेनाइल हूं या मेरी उम्र 18 साल से कम है, तो उसने असेस करना है, ठीक है। कोर्ट में किया जा सकता है कि जुवेनाइल था, उसकी अगर आई थी तो कोर्ट के पास फिर सीएम जमा। जी बिल्कुल, अच्छा जी, तीसरा राउंड है आपका, क्वेश्चन है हाउ एंड हु विल इंटरोगेट अ जुवेनाइल ऑफेंडर? कौन और कैसे जुवेनाइल ऑफेंडर की इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन करेगा? देखना नहीं है सर, 10 5 6 7 8 9 जी उधर टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, वापस सब इंस्पेक्टर करेगा, सब इंस्पेक्टर के रैंक रहेगा, साथ प्रोविजन ऑफिसर भी साथ प्रोविजन यार, तुमने तो हम नंबर काट देंगे, तुम्हें सब कुछ पता, तुम ऑलरेडी काट चुके हो रहे। चलो सब इंस्पेक्टर, ठीक है, आइयो आइयो, तो ऐसे भी होता है, कांस्टेबल भी बना देते हैं, आइयो, ठीक हो गया। अच्छा जी, पॉइंट आपको बोनस मिल गया। आप दूसरा क्वेश्चन आपका है, मुश्किल करें जी, इनको बोल्ड करें यार, ये सामने ही बैठे हैं। अच्छा, आपसे मुश्किल सवाल, अच्छा आसान सा सवाल, आपने नहीं बोलना, आप दोनों ने, ठीक है, आप मशवरा करके किसी को बता सकते हैं। अच्छा, हाउ डाइवर्जन कैन बी एक्सरसाइज इन हीनियस ऑफेंसेस? हीनियस ऑफेंसेस के अंदर डाइवर्जन कैसे होगी? जवाब दे दिया उन्होंने, हाँ या ना, उनका जवाब आ गया, बात ही करते रहे। नहीं, 10 सेकंड से पहले नहीं दे सकते, दे दिया हुआ भाई, सही जवाब था कि सही गलत था? जवाब ठीक था, सही था। हीनियस ऑफेंसेस के अंदर डाइवर्जन नहीं होगी, आप एविडेंस पहले स्टूडेंट। अच्छा जी, आपका बस कर, आइंदा दोबारा नहीं होता नंबर काट। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन है, फॉर्म वाले बंदे को खेलना चाहिए कौन सी जगह होती है, होती कौन सी पहले जगह? तुमने जवाब
जवाब दे दिया वो आपको और देगा। बिफोर कंपाइलिंग का चालान जो आपको प्लीज बच्चे को रखती है, बिफोर कंपाइलिंग में चालान सवाल ये नहीं था, ऑब्जर्वेशन जवाब गलत ठीक है नहीं आगे, आगे नहीं किसी हद तक ठीक है, एक्सप्लेन करें क्या कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जहां पर बच्चे को रखा जाएगा ड्यूरिंग रिमांड, ड्यूरिंग जिस्मानी रिमांड, उसको जो है वो हम ऑब्जर्वेशन होम करेंगे, हवालात या थाने की ये अल्टरनेट है, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन होम ठीक है। मेरा एसोसिएट जवाब तो सही देगा मेरे दफ्तर से, फौजदारी नहीं भी चले जी, लास्ट 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 क्वेश्चन है सारों से, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं इसको। विच केसेस कैन बी रेफर टू जुवेनाइल जस्टिस कमेटी फॉर द फॉर डाइवर्जन, विच केसेस कैन व्हेन एंड विच केसेस, ठीक है ठीक है, गलत हो गया जी, 16 साल सर जीत गए सर, हाँ जी मैडम आपने बहुत जवाब दे दिए, बस तो आप दूसरे किसी को बता देना, कर लिया पहले पीछे रखा चले, कोई और जवाब, हाँ जी क्या है बोले ऊंची तरह बोले, नहीं 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 इनको बोलने दें, इन इन दोनों साहिबान ने इतना नहीं बोला, वो आप उनके कान में कह दीजिए वो आगे बताएंगे। बिल्कुल, कौन से केसेस जिनमें माइनर और मेजर में भेजे जा सकते हैं लेकिन मेजर में कंडीशन है 16 साल से कम उम्र, आपने कहा कि मेजर और माइनर दोनों ऐसा नहीं होगा, ठीक है, और जीनियस के तो जाएंगे टीम जीरो प्लस वन। अच्छा जी आपका अपना क्वेश्चन, आपका अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेल प्रोसीजर फॉर द अलेज्ड ऑफेंडर ऑफ माइनर मेजर एंड हीनियस ऑफेंसेस, बेल का क्या प्रोसीजर है, आपने किसी को बता दें, किसी को बता दें वो बता दें, आपने मैडम सारा कुछ बताना है, ये उलाटन माइनर बेल मिल जाती है और राइट मिल जाती है और मेजर में भी ऐसा राइट मिल जाती है और जो हीनियस चले जी, लास्ट क्वेश्चन आपका खत्म करें जी आज का, व्हाट ऑप्शंस द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में अडॉप्ट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केसेस विद द कंसेंट ऑफ द ग्रीव पार्टी, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पास कि वो केस को खत्म कर दे, केस को खत्म करने के लिए वो क्या क्या कर सकती है जुवेनाइल के केस को डिस्पोज करने के लिए, क्या एग्रीमेंट, माफीनामा, अच्छा एक पांच बताए जरा, एक हो गई, हाँ प्रोबेशन पे भेजा जा सकता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर पे जा सकता है, तीन फाइन किया जा सकता है, कंपनसेशन आपने बोल दिया उसका नुकसान पूरा कर दें तो डिस्पोज कर दिया जाएगा, केस जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं। थैंक यू सो मच यार, आप तो जजेस से बहुत, जजेस के साथ ये करते हैं तो बुरा ही हाल होता है, आपके आपके जी आपके हैं जी वन टू थ्री, आपके हैं जी 1 2 3 4 5 6 सर, अहमद कयूम की दुआ 1 2 3 आपके भी 3 है, मेरी कोई दुआ आपके साथ नहीं थी, किसी के साथ मेरी मेहनत है, यार चीटिंग है, पहले सारी माइनस करता हूं इनसे फीस, जो जो प्रैक्टिस के लोग आते हैं ना बीवी से उनसे फीस लें पूरी, जी जी आपको तो इसमें होना ही नहीं चाहिए इसके ग्रुप में, बट बता तो हम यहां था, अच्छा चलो यार बात ये है कि आप सारे के सारे ये तो अपनी साइड सारे ही विनर हैं क्योंकि किताबें सारों को ही मिल रही हैं, सारे इस साइड के ऊपर आए, एक बीच में सेल्फी वगैरह हम यहाँ पे सर कमारा ट्रेडिशन बन गई हुई है यहाँ पे, आइए सारे के सारे बैठे पहले, हाँ मैं ये कह रहा हूँ यही आप बैठे पहले, एक एक मिकदाद भाई से आप फर्दन फर्दन लें, जैसे अपनी तस्वीर भी उतरवानी है साथ लें, किताब लें और सेल्फी फिर एक जॉइंटली लेंगे आपकी किताब है रात में, यह देखो मैंने रखा हुआ सबसे ज्यादा तगड़ा है इसकी आपको पता है, यार ये आए ना जी पहले टीम अपनी अपनी लाइन की
किसी ने तस्वीरें वगैरह अगर अपनी उतरवानी है तो आ जाओ यार साथ साथ, मतलब कि हम पकड़ा ही जाते हैं इसको आप किताब नहीं मिली अभी तक, मिल जाती है ना सारा थैंक यू के ग्रुप में फेंके लगाइए वहाँ पे सबको मिल गई सब भी आप चार आगे होगी हर वक्त सोता रहता है यार वैसे एसओए टू वर्ड सामने फिर भी लाल टाई लगा के सोता रहता है मैंने चेहरे के सामने बिल्कुल आज बोला है पकड़ के अच्छी बात अब जा जो चारों सुबह तस्वीरें आप अपने दोस्तों से ठीक हो गया जी दादी मैं पूरा आपको सेट भी दे दूंगा इसका एंड यू लाइक दैट सेल्फी अपने मुझे एक सेकंड ये रोक लेने दीजिए प्लीज ये लाइव